Glory be to God. प्रभु के नाम की महिमा हो. ईश्वर नो महिमा था. For a meditation, shall we turn to the book of Joshua, chapter 2, verses 15 and 18. हमारे मनन के लिए आए हमारे किताब को यहोशू के किताब 15 अध्याय के दूसरे अध्याय के 15 और 18 वचन की ओर मुड़े. आओ अपना मनन माटे यहोशू पुस्तक बीजो अध्याय तेनी 15मी कलम थी 18मी कलम तर सुधी वांचिए. त्यारे तेणे तेओने बारीमांथी दोरडावडे नीचे उतार्या कारण के तेनुं घर नगरकोटनी उपर हतुं ने कोट उपर ते रहती हती अने तेणे तेओने कह्युं के तमे पर्वत पर जता रहो रखीने पाछळ लागनारोना हाथमां तमे आवी पड़ो अने तमारी पाछळ लागनारा पाछा आवे त्यां सुधी 3 दिवस तमे त्यां संताई रहेजो अने त्यार पछी तमे तमारे मार्गे भले जाओ. तब रहब जिसका घर शहरपना पर बना था और वह वही रहती थी उसने उसको खिड़की से रस्सी के बल उतार के नगर के बाहर कर दिया और उसने उनसे कहा पहाड़ को चले जाओ ऐसा ना हो कि खोजने वाले तुमको पाए इसलिए जब तक तुम्हारे खोजने वाले लौट ना आए तब तक अर्थात 3 दिन वही छिपे रहना उसके बाद अपना मार्ग 15 and 18 पंद्रह और अठारह वचन पंद्रहवीं तथा अठारहवीं कलम. सुन जब हम लोग इस देश में आएंगे तब जिस खिड़की से तूने हमको उतारा है उसमें यही लाल रंग की सूत की डोरी बांध देना और अपने माता पिता भाइयों वगैरह अपने पिता के सारे घराने को इसी घर में अपने पास इकट्ठा कर रखना. Then she let them down by a cord through the window, for her house was upon the town wall, and she dwelt upon the wall. Behold, when we come into the land, Thou shalt bind this line of scarlet thread in the window which thou didst let us down by, and thou shalt bring thy father and thy mother and thy brethren and all thy father's household home unto thee. Glory be to God. Prabhu ke naam ki mahima ho. Ishwar no mahima tha. Today my subject will be blessings on the upper room. Aaj mera vishay ऊपर की ऊपर मिलने वाले आशीषें होगी. अजी मारुजी विषय अपर रूम ऊपर की कोठरी में मिलने वाले आशीषें. अजी मारु विषय जे छे ते ऊपर की कोठरी में मिलना आशीर्वाद. द बाइबल मेंशंस अबाउट सो मेनी ब्यूटीफुल थिंग्स व्हिच अ चाइल्ड ऑफ गॉड कैन रिसीव इन द अपर रूम. ऊपर ऊपरी कोठरी में एक परमेश्वर का बालक पा सकते हैं ऐसे कई आशीषों के बारे में शास्त्र कहता है. ऊपर ना ओरडा मा ईश्वर नो बालक जी आशीर्वादों ने प्राप्त करी सके ती विषय घणा जगह पर लखवा मा मिलु छे. Certain things which you thought would not be possible was made possible when God came to that upper room. उस ऊपरी कोठरी में जब परमेश्वर उतर आया तब जो बातों को असंभव समझते थे वे बातें संभव हो गई. અને ઉપરની ઓરડામાં જ્યારે પ્રભુ ઈસુ પ્રભુ ઉતરી આવ્યો જે વાતો અશક્ય હતી તે શક્ય બની. સો ઓલસો યુ હેવ કમ ટુ ધ અપર રૂમ યુ મસ્ટ અન્ડરસ્ટેન્ડ યુ હેવ કમ ફાર અવે ફ્રોમ ઓલ અર્થલી થિંગ્સ યુ હેવ ફોરગોટન ઓલ યોર અર્થલી થિંગ્સ યુ હેવ પુટ યોર ફેમિલી એન્ડ યોર બિઝનેસ અસાઇડ એન્ડ યુ આર હિયર ઇન ધ પ્રેઝન્સ ઓફ ગોડ. આપ ભી યે સમજ લે કી આપને અપને પૃથ્વી પર કી સારી બાતો કો છોડ કરકે अपने परिवार को छोड़ करके व्यवसाय को छोड़ करके आप एक ऊपरी कोठरी में आ पहुंचे हैं. तुम्हारे पण ई वातो नु ध्यान राखवू जोईए कि तमे आ पृथ्वी नी दरेक वाना ने छोड़ी ने तमारा काम ने छोड़ी ने तमारी दरेक वस्तु ने छोड़ी ने आ स्थान मा ऊपरनी कोठरी मा आवेला छो. Here we see a woman with a loose character. यहाँ पर हम एक पापी स्त्री के बारे में हम देखते हैं. अहीं आपणे एक पापी स्त्री विषय जोई सके. She was not a very good woman. वो एक अच्छी या भली अच्छी स्त्री नहीं थी. ते एक सारी स्त्री न हती. Her business was to sell her body and make money. अब उसका व्यवसाय यह था करके पैसे कमाएं. अने तीनो व्यवसाय ते પોતાના શરીરને વેચીને પૈસાની કમાણી કરતી હતી. None of us seated here would like to make friends with such people. ऐसे लोगों के साथ दोस्ती करने में यहाँ बैठे हुए मैं मानता हूँ कि कोई भी नहीं चाहेगा. अने तेवा लोगों ने साथी दोस्ती करवा माटे यहीं बैठेला मती कोई पण नहीं जाए एवो हूँ धारू छु. Kindly don't allow your children to play in this center mat. मेहरबानी करके बच्चों को ये सेंटर के मैट में कोई भी खेलने चलने फिरने ना दे. कृपा करीने कोई पण बाड़कों ने आ केंद्र में रखेली चटाई पर सादड़ी पर कोई रमवा माटे अनुमति न आपे. She was a person with a loose character.
एक अनैतिक जीवन बिताने वाली ऐसी एक स्वभाव रखने वाली एक स्त्री होकर पाई गई। अनैतिक जीवन व्यतीत करना रही थी स्वभाव ने एक स्त्री जोवा मड़ी। But God loves such people too. लेकिन परमेश्वर ऐसे लोगों को भी प्रेम करता है। परंतु प्रभु तेवा लोगों ने प्रेम करे छे। God in Jesus did not come to this world in search of righteous, but he says that he came in search of sinners. परमेश्वर यीशु मसीह कहता है कि इस दुनिया में वो एक धर्मियों के खोज में नहीं आया बल्कि पापियों के खोज में आया। प्रभु यीशु क्रिस्त कहे छे कि ते न्यायियों ने तारवाने सरू नहीं परंतु पापियों ने तारवा माटे तेनी शोध मा आव्यो। Even about the ministry of John the Baptist it is mentioned he spoke to harlots and they accepted him. और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की सेवकाई के बारे में हम यूं पढ़ते हैं कि उसने व्यभिचारिणियों से बात किया और उन्होंने उसकी सुनी। અને આપણે યોહાન બાપ્તિસ્મા આપનારની સેવાની શરૂઆતમાં જોઈ શકીએ કે તેણે વ્યભિચારીઓની સાથે વાત કરી અને તે લોકોએ તેનું સાંભળ્યું. What is the purpose of holding convention? એક સંમેલન ચલાવવાને કા મકસદ ક્યા હોતા હૈ? એક સંમેલન ચલાવવાનો હેતુ શું હોય છે? Two purposes. દો મકસદ હૈ. તેના બે હેતુ હોય છે. People who are living in sin like this woman and they should be delivered from their sin, they should be delivered from their sickness, they should be delivered from the fear of death and tradition. और इस स्त्री यहाँ पर पड़ी हुई स्त्री के समान पाप में रहने वाले लोग छुटकारा पाने चाहिए, बीमारी से छुटकारा पाने चाहिए और इस प्रकार के छुटकारे का एक अनुभव हो। अप्रमाणी ने पाप में रहनारी स्त्री प्रमाणे જોઈ શકાવા થી જે પાપમાંથી છુટકારો મેળવવા જોઈએ, માંદગીમાંથી સાજા થવા જોઈએ, પોતાના રીતિ રિવાજોમાંથી તેઓ છુટકારો મેળવવા જોઈએ. What is the second purpose of holding the convention? ઇસ એસે કન્વેન્શન ચલાવવાને કા દૂસરા મકસદ ક્યા હૈ? આ પ્રમાણેના સંમેલનો ચલાવવાનો બીજો હેતુ શું છે? Church of God must be revived, then they must be sanctified, they must be perfected, they must come to a state where they will be able to say Amen, Lord Jesus, come soon. परमेश्वर की कलीसिया जो है वो संजीवित की जानी चाहिए, वे शुद्ध किए जाने चाहिए, ऐसे स्थान में वे पहुंच जाए जहां वे कहे कि हाँ यीशु जल्द आ जा। अरे आज सम्मेलन चलावानो बीजो हेतु ये छे कि मंडली ने शुद्ध करवामा आवे, ते पवित्रता मारे प्राप्त करे, संपूर्णता ने प्राप्त करे अने एवा स्थान मा पहुंचे कि तेओ कही सके हाँ प्रभु यीशु तू वहेलो आओ। If these two purposes are not fulfilled, convention has got no meaning at all. यदि ये दो मकसद पूरा ना होने में convention या ये सम्मेलन का कोई अर्थ नहीं है। अने जो अभी हेतु पूरा ना थाई तो सम्मेलन को कोई अर्थ रह नहीं। We believe that God has gathered in us in this presence that through us and in us God will do this work. हम ये विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने यदि हमें इस जगह में इकट्ठा किया है तो हमारे द्वारा और हमारे अंदर परमेश्वर ये काम को पूरा करेगा। जो प्रभु यह सम्मेलन में अपन एकत्र करिया छे तो अपना वड़े तथा अपना मां ते कार्य ने ते संपूर्ण करी सकसे। I'll come to this Joshua chapter 2:15 about Rachel later. और इस यहोशू के किताब दूसरे अध्याय के 15वें वचन में मैं बाद में आऊंगा। अने यहोशू पुस्तक बीजो अध्याय तेनी 15वीं कलम में हूं थोड़ी बार पछी आवीश। I would like to mention some of the blessings in the upper room. लेकिन मैं ऊपरी कोटरी में पाए जाने वाले कई आशीषों को बताना चाहूंगा। परंतु ऊपर ना ओरडामा मंडारा घना आशीर्वादों विषय हूं तुमने जणावा मांगू छु। Examine ourselves. We all should believe the word of God and entrust ourselves to the word of God. हम सारे अपने आप को जांचते हुए परमेश्वर के कलाम पर विश्वास करकर परमेश्वर के कलाम के लिए पूरी तरह सौंपे हुए समर्पित होकर रहे। अपने पोते पोता ने संपूर्ण बने तपासी ने ईश्वर ना वचनों जी आपने आपवा मावे छे ईश्वर ना वचनों में संपूर्ण बने सौंपायला हवा जुई। First, when we turn to the book of Mark chapter 14 verse 15. मरकुस के सुसमाचार 14वें अध्याय के 50वें वचन की ओर आए पहले मुड़े। માર્ક ની લખેલી સુવાર્તા 14મો અધ્યાય તેની 50મી કલમ તરફ વળીએ। 14:15 પછી સગળા તેને મૂકીને નાસી ગયા। 14 અધ્યાય કા 15 વચન 14મો અધ્યાય તેની 15મી કલમ। અને તે તેમને એક મોટી મેડી સંગારેલી ને તૈયાર કરેલી દેખાડશે, ત્યાં આપણે સારું તૈયાર કરો। વો તુમે એક સજી સજાઈ ઓર તૈયાર કી હુઈ બડી અટારી દિખા દેગા, વહાં હમારે લિયે તૈયારી કરો। And he will show you a large upper room furnished and prepared. There make ready for us. I don't know how it is in other language. In English it is mentioned furnished upper room. Aur dusri bhashaon mein kaisa hai nahi malum, lekin angrezi mein aisa likha hai ki atari par ek kamra ko taiyar karo. Biji bhasha mein kehu likhelu chhe parantu angrezi mein eu chhe ke upar ni meedi ne shangari ne taiyar karo. Here Jesus is asking them
to prepare that place for the Passover. और पसह को मनाने के लिए यीशु मसीह वहां पर उनको इस कमरे को तैयार करने के लिए कहता है. प्रभु यीशु ख्रिस्त पास्खानी उजवणी करवा माटे ते ओरडाने तैयार करवा माटे कहे छे. So that is called last supper which Jesus had with his disciples. अपने अपने चेलों के साथ यीशु ने खाए हुए या भोजन किए हुए अंतिम भोजन के भोज के बारे में हम जानते हैं. અને પ્રભુ યીસુ ખ્રિસ્ત તેના શિષ્યોની સાથે છે એટલે કે ભોજન વિશે જોઈ શકીએ. You would have seen the photo also which was painted by Leonardo da Vinci, Mona Lisa. It's called Mona Lisa. Leonardo da Vinci ने जो चित्रीकरण किया है मोनालिसा, उसमें आप उस चित्र को भी वो अंतिम या पसह का यीशु ने जो मनाया वो पसह के उस अंतिम भोज को भोज का चित्रीकरण आपने देखा होगा. ने मोनालिसा द्वारा जे रेखांकित करवामां आवेलू प्रभु यीशु ए तेना शिष्यनी साथे करेलू वाडानो चित्र ए तमे जोई शको. What does that denote in our spiritual life? हमारे आत्मिक जीवन में वो क्या दर्शाता है? अपना आत्मिक जीवन में ते शु दर्शावे छे? Christ became a Passover in our life. हमारे जीवन में मसीह एक हमारे लिए पसह बन गया. अपना जीवन में ख्रिस्त अपना माटे पास्खा बन्यो. In order to deliver us from the power of sin, from the power of darkness, so then this Passover lamb is to be slain. पाप के अधिकार में से, अंधकार के अधिकार में से हमें छुड़ा देने के लिए यह पसह को मारा जाना जरूरी था. पाप ना सामर्थ्य माथी, अंधकार ना सामर्थ्य माथी छुड़वा माटे अहलवान मरावु जरूरी हतु. We all know that story from the book of Exodus, how the children of Israel were delivered from the land of Egypt. मिस्र देश में से निर्गमन के किताब में इसराइली प्रजा किस प्रकार छुड़ाए गए ये सारी कहानी को हम सारे लोग जानते हैं. इसराइली लोगों ने मिस्र ना देश माथी केवी ते छुड़ावामां आव्यो जे निर्गमन ना पुस्तक मां लखेलू छे अपने सर्व सारी पेठे जाणीए छे. A lamb is to be slain and the blood must be smeared on the side post and the lintels. और एक मेमने को घात करके उसका जो खून है वो दोनों दरवाजे पर लगाए जाने चाहिए थे. अने एक हलवान ने मारी नाखी ने तेना रक्त ने ओत्रंग तथा बारसक पर लगाड़वामां आवतुं हतुं. When the destroyer sees that blood, he will pass over, he will not touch that family. विनाश करने वाला जब उस घर के नजदीक आकर खून को देखेगा उस घर को ना छूते हुए उस घर को छोड़कर जाएगा. अने सहारक जरे ते घर नी पास से आवे ते रक्त ने जोई ने ते घर नो नाश करया विना ते घर छोड़ी ने चालियो जाए. In the New Testament, when we turn to the book of 1 Corinthians chapter 5 verse 7. नए नियम में पहले कुरिंथियों की पत्री पांचवी अध्याय के सातवें वचन में जब हम आते हैं. नवा करार मा करिंथियों नो पहलो पत्र पांचमो अध्याय तेनी सातमी कलम मा आवती वेडाए. तमे जूना खामी ने कड़ी नाखो જેથી જેમ તમે બે ખમી છો તેમ તમે નવા લોદારૂપ થઈ જાઓ, કેમ કે આપણા પાસ્કા યજ્ઞ ખ્રિસ્તનું બલિદાન પણ આપણા વતી આપવામાં આવ્યું છે. પુરાના ખમીર નિકાલ કર અપને આપ કો શુદ્ધ કરો કે નયા ગુંદા હુઆ આટા બન જાઓ તાકિ તુમ અખમીરી હો ક્યોંકિ હમારા ભી ફસહ જો મસીહ હૈ બલિદાન હુઆ હૈ. પર્જ આઉટ ધેરફોર ધ ઓલ્ડ લેવન ધેટ હી મે બી અ ન્યૂ લમ્પ એઝ હી આર અનલેવન્ડ. For even Christ, our Passover, is sacrificed for us. So in the New Testament, who is that Passover? नए नियम में वो फसह कौन है? नवा करार में ते पास्का कौन छे? The blood of lambs and goats and bulls could not sanctify people. मेड़ों के और भेड़ बकरियों के लहू मनुष्य को या इंसान को शुद्ध कर नहीं पाए. गोधानु अथवा गेटा बकरानु रक्त मानस ने शुद्ध करी सकशे नहीं. So God himself, God the Son had to come down into this world and die for the sake of mankind. इसलिए पुत्र परमेश्वर स्वयं उतरकर इस पृथ्वी पर आकर मनुष्य जाति के लिए मृत्यु पाना पड़ा. અને તેથી જ પુત્ર પોતે પ્રભુ યેસુ ખ્રિસ્ત પોતે આ પૃથ્વી પર આવીને માનવ જાત માટે તેને પોતાનું અર્પણ કરવું પડ્યું. No matter to which religion you belong, all have sinned and come short of the glory of God, it is mentioned. કોઈ ભી ધર્મ કે પાલન કરને વાલે વ્યક્તિ આપ ક્યો ના હો, हर मनुष्य ने पाप किया है और वो परमेश्वर की महिमा से रहित हुए हैं. तमे गमे ते धर्म ना केम ना होय दरेक मानस से पाप करियो अने ते देव ना महिमा थी रहित बनी गया. You may be born in a Christian family, you may be born in a Pentecostal family, but still you are under sin. आप शायद एक मसीही परिवार में जन्म लिए होंगे, पिंतकुस्त परिवार में जन्म लिए होंगे, फिर भी आप एक पाप के अधीन में हो. तमे ख्रिस्ती कुटुंब ना होई सको, तमे पेंटिकोस कुटुंब ना होई सको, परंतु छता पण तमे पाप ना अधीन मा छो. The word of God says there is no difference, all have sinned
और परमेश्वर का कलाम कहता है कि बिना फर्क के सभी ने पाप किया है। ईश्वर नु वचन जणावे छे कि कोई मांतर नथी दरेके पाप करियो। यू नीड ए सेवियर दैट यू मे बी क्लेंस्ड, यू मे बी फॉरगिवन ऑफ योर सिंस। आप धोकर आपके पापों से मुक्ति पाने के लिए आपको एक उद्धार कर्ता की जरूरत है। अने तमारे धोईने शुद्ध थवा माटे एक तारणहार नी जरूर छे। द ब्लड व्हिच वाज शेड ऑन द क्रॉस इज एबल टू क्लेंस यू फ्रॉम ऑल अनराइचियसनेस। सलीब पर वो बहाया गया हुआ उस लहू में इतनी ताकत है कि आपके सारे अधर्मों से आपको धोकर शुद्ध अपने पूरे जीवन को प्रभु के हाथ में उसने समर्पित किया। जीवन ने प्रभु हाथों में सौंपी दीदिंग, तब तक वे पुराने परंपरा में ही लगे हुए थे। अरे त्यां सुधी ते जुड़ी पद्धतियों में लागू हतो। That could not satisfy him. वो अपने उस व्यक्ति को वो तृप्त कर नहीं पाया। अरे ते तिने संतुष्ट करी शकी नहीं। They were not supposed to go through the scriptures, Bible. वे शास्त्रों को जांच कर ढूंढ नहीं सकते थे। अने ते शास्त्र मते शोधी सकतो न हतो। It was forbidden for them. उन आम जनता से वो रोक लगाई गई थी। लेकिन वो गुप्त रीति से लाइब्रेरी में जाकर उन सारे शास्त्रों के किताबों को पढ़ लिया। परंतु ते संताई ने लाइब्रेरी में जीने ते पुस्तकों ने तेने शोधी खड़ी। Then he came to the understanding that whatever they were taught till then, it was all rubbish. और उसने ये समझ लिया कि तब तक उन्हें सिखाए गए हुए सारी बातें वे बेकाम थे। अने त्यां सुधी तेने समझी लिदु कि तेने जी कई शिखवामां आव्युं ते दरेक व्यर्थ हतुं। To cut the story short, और संक्षिप्त में कहने के लिए, टूंकमां कहेवाथी, It is not by works, but it is by faith. Faith in Jesus and the finished work on the cross that you will be saved. आप क्रियाओं के द्वारा नहीं बल्कि यीशु मसीह ने सलीब पर किए हुए पूरे काम पर विश्वास करने के द्वारा आपका उद्धार होता है। अने कर्मो वडे नहीं परंतु प्रभु यीशु ख्रिस्त जे वदस समय भरायो तेनी पर विश्वास करवाथी तमे ते तारण थई शके। He confessed all his sins to Jesus and was cleansed. सारे पापों को यीशु से कबूल करके धोया गया। अने ते प्रभु यीशु ख्रिस्त नी पासे दरेक पापो ने कबूल करीने धोवामां आव्यो। Later in one part of his life, again Satan brought all those things before him. और उसके पश्चात एक जीवन के एक भाग में दोबारा शैतान ने उसके सामने वो सारी पुरानी बातों को ले आया। फरी थी एक बार जीवन ना तेना दी बीजा तबके शैतान दरेक बातों ने तेनी समक्ष मलाव्यो। He was in a fix and he was in doubt. What is this? Has not God forgiven has he not forgiven my sins? वो दोबारा संदेह में पड़ गया, व्याकुलता में पड़ गया, क्या प्रभु ने मेरे पापों को क्षमा नहीं किया है? फरी थी ते शक मा पड़ियो अने मुंझवण अनुभव लाग्यो कि शू प्रभु मारा पापों ने माफ करया नहीं? Satan brought a big roll. शैतान एक बड़ा सा रोल ले आया। शैतान एक मोटा रोल ने ले आवियो। Have you not committed this? Have you not committed this? एक बड़े पट्टिका को दिखाकर तूने ये नहीं किया क्या? तूने ये नहीं, ये गलती नहीं किया क्या? आकर के बताने लगा। अने शैतान तेने कहवा लाग्यो कि शू त्यां भूल नथी करी, आ भूल नथी करी, एम अलग-अलग बतावा लाग्यो। But he saw the blood of Jesus blotting them out. लेकिन वो ये भी देखते रहा कि यीशु का लहू वो सारी बातों को रोकते जा रहा है। परंतु ते जोई शकतो हतो कि यीशु नु रक्त दरेक वातों ने नाबूद करतु रह्यो। Great courage and peace and rest entered into this heart. बड़े हिम्मत, एक बड़ा शांति, एक बड़ा विश्राम उसके हृदय में प्रवेश कर लिया। एक मोटी शांति, एक मोटू साहस तेना जीवन में विश्राम प्रवेश करियो। Then he challenged the devil. उसके बाद शैतान को चुनौती दिया। अने त्यार पछी तेने शैतान ने समय दावो करियो। Carry on. What are the other things that I have done? You show me. और भी बताए, मैंने दूसरे कौन से काम किए? तू मने वधारे जणाओ, मैं बजा कया पाप करया छे? He rolled many more sins. उसकी पट्टिका को और खींचते एक और दिखाने लगा उसने किए हुए पाप। अने ते रोल खींचता तेने करेला बीजा पापो ने ते प्रकट करतो रह्यो। Everything was blotted by the precious blood of Jesus. यीशु मसीह के कीमती लहू के द्वारा सारे पाप मिटाए गए थे। यीशु ख्रिस्त ना अमूल्य रक्त वड़े दरेक पापों ने नाबूद करवामा आव्या। Dear child of God, if you are not cleansed by the blood of Jesus today, that Passover
Passover is slain for you. अजीज परमेश्वर के बच्चे, यदि आप अपने उस यीशु मसीह के कीमती लहू के द्वारा धोए नहीं गए तो आज आपके लिए वो फसा है. અને વાલા દેવના બાળકો, જો તમે આજે પ્રભુ યીશુના રક્ત વડે ધોવામાં આવ્યા નથી તો આજે તમારા માટે તે પાસ્કા વેવડાવવામાં આવ્યું. Today is the day of salvation. Today is the acceptable time. Aaji uddhar ka din hai. Aaji angikar yogya din hai. Aaji starano divas che. Aaj manya karno din che. So you confess all your sins to Jesus. Aapke sare paapo ko aaye Yeshu se kabul kar le. Tumhara har ek paapo ne prabhu Yeshu ne same kabul karo. Don't keep anything back. You can confess everything to Jesus. Kuch bhi apne paas rakh nahi chhodna. Sari baaton ko aaye Yeshu se khul kar bol de. Tumhe kahi pan tumhari paase na rakho. Har ek तो प्रभु ने समय कबूल करो. यू डोंट नीड ए मीडिएटर. यू डोंट नीड मेरी फॉर दैट. यू डोंट नीड सो कॉल्ड सेंट्स फॉर दैट. आपके लिए उसके लिए एक मध्यस्थ नहीं चाहिए. आपके लिए एक मरियम उसके बीच में खड़े होने की जरूरत नहीं. आपको कोई संत आकर मध्यस्थ करने की जरूरत नहीं है. तुम्हारे कोई मध्यस्थी की जरूरत नहीं. कोई मरियम की जरूरत नहीं. तुम्हारी माटे कोई मध्यस्थी करे तेनी कोई जरूरत नहीं. As we see from the book of 1 Timothy chapter 2 verse 4. पहला तिमोथियुस. There is one mediator between God and man. And that is Jesus Christ. पहला तिमोथियुस दूसरे अध्याय के चौथे वचन में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक ही मध्यस्थ है, वही प्रभु यीशु मसीह है. तिमोथियुस पहला पत्र भी जो अध्याय तीन पांचवी कलम आपने जो इस के कि देव तथा मानुष ने बच्चे एक ज मध्यस्थ छे. It is he प्रभु यीशु क्रिस्त छे. It is he who came down into this world. वही इस स्वयं इस दुनिया पर पृथ्वी पर उतर कर आया. अनितीश पुति आधरती पर उतरी आवियो. It is he who was humiliated for your sake and my sake. मेरे और आपके लिए उसने नीचापन को सहा हुआ है. मारा तथा तुम्हारा माटे ते निम्न स्तर में उतरी आवियो. Look at that Jesus who's hanging on the cross naked. For your righteousness and my righteousness. मेरे और आपके धार्मिकता के लिए देखो वो यीशु मसीह सलीब पर लटकता है नंगा. मारा तथा तुम्हारा न्यायपणा माटे प्रभु यीशु ख्रिस्त पुते वधस्तंभे लटकायो. He shed his last drop of blood for the sake of mankind. पूरे मानव जाति के लिए अपने बूंद अपने लहू का आखिरी बूंद भी उसने बहा दिया. समग्र मानव जात ने माटे तेने पोताना रक्त नु अंतिम टीपू पण वेहवडावी दीधु. What did we read from the book of 1 John chapter 1 verse 7. पहले यूहन्ना पहले अध्याय के सातवें वचन में हम क्या पढ़ते हैं? यूहन्ना पहला पत्र पहले अध्याय तेनी सातवीं कलम में शू वाची सके. पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है. पण जेम ते प्रकाश में छे तेम जो अपने प्रकाश में चालिए तो अपने एक बीजानी साथे संगत छे अने तेना पुत्र ईसुनो रक्त अपने सगड़ा पाप थी शुद्ध करे छे. बट इफ वी वॉक इन द लाइट एज ही इज इन द लाइट वी हैव फेलोशिप विद वन अनदर एंड द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट हिज सन क्लेंसेथ अस फ्रॉम ऑल सिन. The blood of Jesus Christ, His Son, cleanses us from all sin. उसका पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है. तेना पुत्र यीशु नु रक्त अपने सगड़ा पापों थी शुद्ध करे छे. They say a white cloth, if it is dyed red, you can never bring it back to that white state. ऐसे कहते हैं कि एक सफेद वस्त्र को लेकर उसको लाल रंग से वो लगा देने से उसके बाद उसके उसके पहले की अवस्था में उसे दोबारा लौटा नहीं सकते हैं. यूं कहेवामां आवे छे कि जो एक सफेद वस्त्र ने लाल रंग में डुबाड़वामां आवे तो फरीथी तेने पहली अवस्था में लावी शकाशे नहीं. देयर इज नो डिटर्जेंट ऑर सोप व्हिच कैन अगेन ब्रिंग इट बैक टू द फॉर्मर स्टेट. उसके पहली अवस्था में पहले रंग में या सफेद दोबारा बना देने के लिए उसको कोई कोई भी साबुन या कोई डिटर्जेंट नहीं है. અને તેને પહેલી અવસ્થામાં શ્વેત બનાવવા માટે એવો કોઈ સાબુ વાપરવામાં એવો કોઈ સાબુ નથી. બટ એટ ધ સેમ ટાઈમ ઇફ યુ સી ધેટ વિથ અ રૂબી ગ્લાસ. લેકિન ઉસી સમય આપ એક રૂબી ગ્લાસ મે સે આપ યદિ ઉસ વસ્ત્ર કો દેખતે હો. પરંતુ રૂબી ગ્લાસ માંથી જો તમે તે વસ્ત્ર ને જો ધ સ્ટેન ઇઝ લોસ્ટ. વો જો વો રંગ વો ખોયા હુઆ પાઓગે. અને તે રંગ જતો રહેતો દેખાશે. નથિંગ એલ્સ ઇન ધીસ વર્લ્ડ કેન વોશ ધ સિન ઓફ મેન. મનુષ્ય કે પાપ કો ઇસ સંસાર મે કુછ ભી ધો નહીં પાયેગા. માણસ ના પાપ ને આ સંસાર માં બીજું કોઈ ધોઈ શકશે નહીં. નો મેટર વોટ એવર યુ ડુ એની રાઇચિયસ વર્ક યુ ડુ યુ વિલ નેવર બી ક્લેન્સ્ડ. આપ કુછ ભી કામ કરે કોઈ ભી ધર્મ કા ક્રિયા કરે આપકા પાપ ઉસે ધોયા નહીં જાયેગા. તમે કોઈ પણ કામ કરો કોઈ ન્યાય કૃત્ય કરો તમારા પાપ ને ધોવામાં આવશે નહીં. બટ ઇફ ધ બ્લડ ઓફ જીસસ ઇઝ સુપર ઇમ્પોઝ્ડ બિટવીન ધેટ. લેકિન ઉસકે બીચ મે યીશુ મસીહ કા લહુ યદિ લાગુ હો જાતા હૈ
परंतु जो तिनी बधिमा प्रभु यीशु कृष्ण रक्त ने लगड़वा माउशे That's why in English we have got a beautiful song. और इसीलिए अंग्रेजी में एक ऐसा सुंदर गीत है. इति अंग्रेजी में एक सुंदर गीत छे. Sin stains are lost in the life giving flow. और जीवन देने वाले उस बहाव में पाप के सारे दाग जुड़िया वे धोए जाते हैं. जीवन अपना रक्त माते पाप ना दरेक दाग भूसी न खम आवे. Sometimes you would have come newly today. शायद आप पहली बार नए तौर से यहाँ पर आए होंगे. कदाच तुम्हारा मती कोई नवा पहली वक्त आया हो सको. Sometimes you may be children and grandchildren of old believers. और ऐसा भी हो सकता है कि पुराने विश्वासियों के आप बच्चे और पोते हो सकते हैं. कदाच जुना विश्वासों ना दिक्रा तथा पुत्र हो सको. Sometimes you would have gone back to your old ways. शायद ऐसा भी बन सकता है कि आप अपने पुराने मार्ग में लौट गए थे. कदाच तुम्हें तुम्हारा पिछला मार्ग में फरी गएला हो सको. It is true that you were a saint once and you would have gone back again. ये सच बात है कि आप एक बार संत थे लेकिन अब उस दर्जा से आप उतर कर लौट गए. परंतु तुम्हें कोई एक वक्त संत नहीं अवस्था में था परंतु तुम्हें पाछा फरी ने पाछा फरी गया. This convention is arranged for you. ये सम्मेलन आपके लिए आयोजित है. आ सम्मेलन तुम्हारा माटे आयोजन करवामां आव्युं. Again come and fall at his feet. आइए दौड़कर यीशु के चरणों पर गिर पड़े. आओ दौड़ी ने यीशु ना चरणों में पड़ी जी. Confess all your sin. The blood of Jesus will cleanse you from all your unrighteousness. सारे पापों को कबूल करे इकरार करे यीशु मसीह का लहू आपके सारे अधर्म को धोकर शुद्ध कर देगा. तुम्हें दरेक पापों ने कबूल करो यीशु नु रक्त तुम्हारा दरेक पापों ने धोई ने शुद्ध कर से. There is power, power, wonder working power in the blood of the Lamb. There is power, power. If you don't know the song, clap your hands. गीत नहीं मालूम है तो ताली बजाइए. There is power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Hallelujah. Hallelujah. Second, when we turn to the book of Acts, chapter 1, verse 13. प्रेरितों के काम पहले अध्याय के 13 वचन में जब हम दूसरा मुद्दा देखते हैं. बीजो मुद्दो प्रेरितों ना कृत्यो पहलो अध्याय तिनी 13वीं कलम. त्या आव्या पछी जे मेड़ी पर तेओ रहता त्या तेओ ऊपर गया એટલે પીતર યોહાન યાકૂબ આંદ્રિયા ફિલિપ તથા થોમા બેથોલોમી તથા માથી અલ્ફીનો દીકરો યાકૂબ તથા સિમોન જલોતસ તથા યાકૂબનો ભાઈ યહુદા ત્યાં ગયા. और जब वहाँ पहुँचे तो वे उस अटारी पर गए जहाँ पत्रस और योहन्ना और याकूब और अंद्रियास और फिलिपुस और थोमा और बर्थोलोमाई और माथी और हल्फई का पुत्र याकूब और शमोन जलोतेस और याकूब का पुत्र यहूदा रहते थे. And when they were coming, they went up into an upper room. Where about with Peter and James? Enough. They went into the upper room. It is mentioned. यहाँ हम पढ़ते हैं कि वे उस अटारी पर गए. इलाकिलोशी की थी वो मेड़ी ऊपर गया. That was the birth of the Pentecost. वो पिंतकुस्त का जन्म है. अनेते पिंतकुस्त का जन्म छे. We read what happened in the book of Acts, chapter 2. प्रेरितों के काम दूसरे अध्याय में हम क्या हुआ अगर कर हम देखते हैं. प्रेरितों ना कृतियों बीजा अध्याय में शुरू थयो अपने जो इसके. Holy Spirit came upon them in the upper room. उस ऊपरी कोठरी में पवित्र आत्मा उन पर आ बसा. ऊपर ना ओरडा में पवित्र आत्मा त्योनी ऊपर अभी निवास करियो. They all started to speak in tongues. वे सारे अन्य अन्य भाषाओं में बात करने लगे. ते उधर एक लोग अन्य अन्य भाषा में बातों करवा लग गया. There is a promise in the Old Testament. पुराने नियम में एक वायदा यूं है. जुना करार में ये प्रमाणी नहीं प्रतिज्ञा छे. I will pour out upon my spirit upon all flesh. मैं अपनी आत्मा को सारे प्राणियों पर उंडेल दूंगा. अने हु सर्व मानस ऊपर मारो आत्मा रेडी देई. Your sons and daughters shall prophesy. तुम्हारे पुत्र और पुत्रिया भविष्यवाणी करेंगे. तुम्हारा दीकरा तथा दीकरियो प्रभुत करशे. Your young men will see visions and your old men will see dreams. तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुराने लोग वे स्वप्न देखेंगे. तुम्हारा जुवानों ने संदर्शनो थशे तुम्हारा दुनी स्वप्नों आवश्य. Prophet Joel
prophesies about it in the book of Joel chapter 2 verse 28 Joel nabi Joel ki kitab dusre adhyay ke 28ve vachan mein wo aise bhavishyavani kiya Joel prabodhak bijo adhyay din 28ve adhyay ma e pramani bhavishyavani kare ch Now Saint Peter says this is the fulfillment of that promise aur prerit patras yahan par aakar kehta hai ki ye us vaide ka pura hona hai ane te peter e pramani kahe chhe ke te vachan puru thavu zaruri chhe ever since millions are receiving holy spirit us din se lekar 10 लाखों के तादाद में लोग अन्य भाषा में या तो पवित्र आत्मा का अभिषेक पाते हैं अरे ते दिवस से लेने 10 लाखों की संख्या में लोगों ने शमति पवित्र आत्मा ने प्राप्त करे छे मिलियंस हैव रिसीव्ड होली स्पिरिट इन इंडिया आल्सो और करोड़ों लोगों ने इंडिया या भारत देश में भी पवित्र आत्मा को पाए हैं अरे भारत देश में जो अति करोड़ों की संख्या में लोगों आत्मा अभिषेक ने प्राप्त करे छे यू वुड हैव हर्ड अबाउट द वेल्श रिवाइवल और वेल्श रिवाइवल के बारे में भी आपने अभी सुना होगा अने वेल्श रिवाइवल विषय तुम्हें संजीवन विषय सांभड़ी होई सके यू हैव हर्ड अबाउट अजूजा स्ट्रीट रिवाइवल और आपने अजूजा स्ट्रीट रिवाइवल के बारे में सुना होगा अजूजा स्ट्रीट रिवाइवल विषय पण तुम्हें सांभड़ी होई सके फायर ब्रोक डाउन अपॉन देम और उनके ऊपर आग आग उतर गया अने त्योनी पर अग्नि उतरी आवियो व्हाई टू स्पीक अबाउट अदर्स यू हैव हर्ड अबाउट द रिवाइवल इन महाराष्ट्र पंडित रमाबाई और पंडित रमाबाई जो महाराष्ट्र में है उनके उनकी एक संजीवन के बारे में भी आपने सुना होगा अने महाराष्ट्र में पंडित रमाबाई विषय नो जे संजीवन थयो ते विषय पण तमने सांभळी होई शके माय ग्रैंडमदर रिसीव द होली स्पिरिट ड्यूरिंग दोस डेज उन दिनों में मेरे दादी ने अभिषेक पाया था अने मारी दादी माए ते दिवस में अभिषेक ने प्राप्त करयो हतो इवन बिफोर आई वाज बोर्न देयर वाज अ ग्रेट रिवाइवल इन माय फैमिली मेरे परिवार में मेरे जन्म से पहले ही एक बड़ा संजीवन को देख लिया था मारा जन्मनी अगाउ मारा कुटुंब एक मोटा संजीवन ने जोयो टू ऑफ माय अंकल्स रिसीव द होली स्पिरिट मेरे दो मामा लोगों ने भी अभिषेक पाया अने मारा बेच काका होय अभिषेक प्राप्त करयो दे वुड आल्सो स्पीक एनीथिंग दैट इज इन देयर माइंड आल्सो इफ समवन थॉट एनीथिंग रॉन्ग इट वुड कम आउट और उनका अभिषेक ऐसे था कि यदि सामने आए वो व्यक्ति जो गलत चीज सोचता है वो भी वो बोल देते थे अने ते उना ए प्रमाणे नो अभिषेक प्राप्त करियो जो कि तो होनी विषय कोई भुंडू विचार है ते विषय पण ते प्रकट करी आपता था द रिवाइवल and the desire for holiness was so great you won't even imagine such things have happened aur unke sanjeevan aur unke pavitrata ki chaah itni adhik thi ki aap soch nahi sakte ho ki aisi aisi baatein hui hai ane teo na sanjeevan teo ni je bejari hati teo ni pavitrata vishe tame vichari nahi sako te pramani vato anubhavi my mother was just thinking few things in her mind that's all meri mata ji apne man mein kuch baaton ko soch rahi thi mari mata potana man ma kai vato vicharti hati my younger brother my uncle was only 13 years old spoke everything whatever she was thinking in her mind mere mama yani ki unki chote bhai unke paas jaakar unhone man mein sochi hui sari baaton ko seedha zor se bol diya ane mara mama e thi una nana bhai e te je kai vicharta hata te vishe darik vat hoti unhe kai samjhavi my mom and my auntie they were going for the meeting मेरी जो माताजी और मेरी आंटी जो है वो दोनों मीटिंग में जा रहे थे मारा मामा माताजी तथा मारा काकी थे सभा में जा ही रहा था वी हैड नॉट कम इनटू दिस फेलोशिप वी ओनली केम इनटू दिस इन 61 हम इस संगति में आए नहीं थे हम इस संगति में 61वें साल में आए ते समय में आ संगत ने अनुभवी ना थी 61 ना वर्ष में मैं संगत में आया दे वर अटेंडिंग अनदर इंडिपेंडेंट ग्रुप वे दूसरे एक स्वतंत्र झुंड में जाते थे अरे ते भी एक आजाद समूह में जाता था ऑन द वे फॉर द संडे मॉर्निंग वर्शिप और इतवार के दिन सुबह की आराधना में रास्ते में जा रहे थे अने रविवार की आराधना माटे ते रस्ता में जा ही रहा था दे वर डिस्कसिंग अबाउट द सारी व्हिच वन ऑफ देम वाज वेयरिंग और आपस में वे ये बातचीत कर रहे थे कि उन्होंने उनमें से एक ने पहने हुए साड़ी के बारे में बात कर रहे थे तो ये पहली साड़ी भी सी थी ओवर बात कर ही रहा था वेयर डिड यू बाय दिस साड़ी हाउ मच मनी डिड यू गिव उस आपने ये साड़ी कहां से खरीदा आपने कितने पैसे दिए इसके लिए अने तुम्हें आ साड़ी क्या थी खरीदी थी ना कितनी कीमत आपी वी डोंट थिंक दैट इट इज रॉन्ग इज इट हम सोचते होंगे कि ये गलत नहीं है ना અને આપણે વિચારતા હોઈ શકે આ કોઈ ખોટું નથી રિવાઇવલ વોઝ ટુ સચ એન એક્સટેન્ટ ઓર સંજીવન ઇતના તક થા અને તે સંજીવન એટલું મોટું હતું વે જસ્ટ વેન્ટ ફોર ધ મીટિંગ વે ઉસકે બાદ મીટિંગ મે બાત કરતે કરતે ચલે ગયે તે વાત કરતા કરતા તે સભામાં ગયા ધેર ઇઝ અ ટાઈમ ફોર પ્રોફેસાઈંગ ઓર વહાં પર ભવિષ્યવાણી કે લિયે એક સમય દિયા જાતા થા ભવિષ્યવાણીનો સમય આપવામાં આવ્યો ઇવન બિફોર ધેટ उससे भी पहले अने तेरी पहला इट वाज नॉट द टाइम फॉर प्रोफेसिंग एट ऑल भविष्यवाणी का समय होने से पहले ही भविष्यवाणी नो समय ते न हतो एज दे एंटर्ड इनटू द रूम जैसे ही वो कमरे में पाव रखे अने ते जे प्रमाणे ओडा में पग मुक्यो इमीडिएटली दैट पास्टर स्टार्टेड टू ब्लास्ट देम
वो पास्टर जी वहां पर उन्हें उन पर चिल्लाने लगे और ये पास्टर थे उन्हें ऊपर धमकावा लग गया व्हेन यू कम टू द प्रेजेंस ऑफ गॉड इज दिस व्हाट यू शुड बी डिस्कसिंग आप प्रभु के सम्मुख में आते समय क्या आपको ये बात करते आना है और जरे तुम्हें प्रभु ने सम्मुख में आओ छो शू तुम्हारे आ बातों ने चर्चा करनी ने आवो जोई Is it the time for you to discuss about such things? ऐसी बातों की बातचीत करने के लिए आपके लिए समय यही है? अने अभी बातों माटे बातचीत करवानो समय शु आज छे? This is what Holy Spirit is able to do in our lives. और यही पवित्र आत्मा हमारे जीवन में करने के लिए चाहता है। अने तीज पवित्र आत्मा अपना जीवन में करवा माटे आग्रह करे छे। How many rubbish things we speak? हम कितने बिना बेकार की बातें करते रहते हैं? अपने कितनी नकामी बातों ने करता रहिए छे। After the message, when you return home. How many comments you pass? संदेश सुनने के बाद घर जाने जाते जाते आप कितने comments बोलते रहते हैं? अने संदेशों सामने पची घरे पछा फरती वेड़ाए तो मैं कितना मजाक नी बातों ने करो छो? What does he preach? What does he preach? We don't understand. We don't. It's not right. आपके उन्होंने क्या प्रचार किया कैसे प्रचार किया हम तो कुछ समझ नहीं पाए वो गलत लग रहा है अने ते यीशु संदेश आपयो कई बात करी हमें तो समझी सक्या नहीं आई बिलीव थ्रू दिस कन्वेंशन गॉड इज गोइंग टू चेंज एवरीथिंग मैं विश्वास करता हूं कि इस सम्मेलन के दौरान प्रभु सारी बातों को बदलाव ले आएगा अने हो विचारू छु कि इस सम्मेलन वडे प्रभु दर एक बातों ने बदली नक्शे गॉड हैज कम इनटू द अपर रूम और प्रभु अपने ऊपरी कोठरी में आकर उतर गया है प्रभु पोते ऊपर ना ओडा मावी ने उतरियो छे होली गॉड हैज कम इनसाइड द अपर रूम पवित्र परमेश्वर उस ऊपरी कोठरी के भीतर आ चुका है पवित्र देव ते ऊपर ना ओडा नी मध्य में आवियो छे गॉड इज लुकिंग एट समवन हुज लव्स सच होलीनेस और ऐसे पवित्रता से चाह रखने वाले कईयो को वो परमेश्वर देखता है जे लोग पोतानी पवित्रता ने गुमावी छे ते वो लोग ने देव जोई रहयो छे इज नॉट बॉदर्ड वेदर यू आर अ सर्वेंट ऑफ गॉड और अ बिलीवर चाहे परमेश्वर के सेवक हो या विश्वासी होने दे तुम्हें कदाच प्रभु ना सेवक अथवा विश्वासी हो सको इज नॉट बॉदर्ड वेदर यू आर एन ओल्ड बिलीवर और अ न्यू रॉ बिलीवर आप एक पुराने विश्वासी है आप या तो नए पहली बार आए हुए विश्वासी व्यक्ति हो उससे कोई फर्क नहीं है उनको कदाच तुम्हें जूना विश्वासी हो सको अथवा तो नवा 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 आत्मा तरीके आवेला हो तेना मशरे तेने कोई फर्क नहीं इज नॉट बॉदर्ड वेदर यू आर अ वाइज पर्सन और अ मंडेन और आप एक बुद्धिमान व्यक्ति है या मूर्ख है उससे उन्हें परवाह नहीं अने ते तेनी कोई चिंता करतो नथी के तमे कोई बुद्धिमान व्यक्ति होई शको अथवा मूर्ख होई शको इज नॉट बॉदर वेयर यू आर रिच और प्योर और एजुकेटेड और इलिटरेट आप धनी है या गरीब है आप पढ़े लिखे हैं या अनपढ़ है उससे उन्हें कोई परवाह नहीं तमे श्रीमंत छो के कंगाल छो भणेला छो के अभण छो तेना विषय तेने कोई चिंता नथी हैव यू गॉट अ डिजायर फॉर दिस होलीनेस ये पवित्रता के लिए क्या आप में अंदर एक चाह है शु तमे पवित्रता माटे एक आग्रह राखो छो मोस्ट ऑफ अस हैव बिकम मनी माइंडेड हम में से अधिकतर लोग पैसों की सोच रखने वाले बन चुके हैं अपना मथी घना बदा लोगों पैसा नो विचार रखना रह बनी चुकिया छे माय बिजनेस मस्ट बिकम ग्रेट हम इस संसार में बड़े बन मेरा बिजनेस बड़ा होना चाहिए मारो व्यापार वधवो जोई आ चिल्ड्रन इट्स नॉट इनफ इफ दे स्टडी इन इंडिया दे शुड गो टू आयरलैंड अमेरिका एंड कनाडा हमारे बच्चे इंडिया में पढ़ने से नहीं चलेगा वे बाहर जा अमेरिका में आयरलैंड में कनाडा में पढ़ने जाने चाहिए अपना बाड़को थी भारत में भणवाती पूरतो नथी थी आयरलैंड अमेरिका कनाडा में जवा जोई डू यू हैव पर्सपेक्टिव फॉर स्पिरिचुअल थिंग्स आपके लिए आत्मिक बातों के लिए क्या आपके लिए एक नजरिया है शो तुम्हें आत्मिक बातों पर दृष्टि करो शो व्हाट इज द वर्ड ऑफ गॉड से इन Isaiah चैप्टर 8 वर्स 18 यशिया 8वें अध्याय के 18 वचन में परमेश्वर का कलाम क्या कहता है यशिया पुस्तक 8वें अध्याय 18वीं कलम में प्रभु नो वचन सु जणावे छे हाय एंड द चिल्ड्रन हुम द लॉर्ड हैज गिवन विल बी सीन एज साइंस एंड वंडर बिफोर द लॉर्ड परमेश्वर के सामने मैं और मुझे दिए हुए बच्चे हम परमेश्वर के सामने हम अद्भुत और चिन्ह चमत्कार होकर रहेंगे जो हो तो था यहोवा जी छोकरा मने आप्या छे तो यहोवा नी पासे अद्भुत कृत्य ने अर्थे छिए लेट बाईगॉन बी बाईगॉन लेट पास बी पास वी विल लुक एट द फ्यूचर जो छूट चुकी है उसे छोड़ दे जो बीत चुकी है उसको बीतने दे आप आगे भविष्य की ओर नजर रखे जे छूटी गयो तेने छूटी जवा दो जो बीती गयो तेने बीती जवा दो अपने आगे की तरफ नजर रखिए वी वर कंडक्टिंग ए मीटिंग इन वन ऑफ आवर फेथोम्स इन शांतिनगर हम शांतिनगर में हमारे एक फेतों में हम एक मीटिंग चला रहे थे शांतिनगर विश्वास बनवा में एक सभा चला भी रहा था पुअर बिलीवर सिस्टर स्टार्टेड टू प्रोफेसर एक गरीब विश्वासी बहन वहां पर भविष्यवाणी करने लगी एक गरीब विश्वासी बहन त्या भविष्यवाणी करवा लगी आई एम गोइंग टू सेंड अ रिवाइवल इन माय चर्च मैं अपने कलीसिया में एक बेदारी भेजने जा रहा हूं हूं मरा मंडली में एक संजीवन मोकलवा जा रही छु द थिंग्स व्हिच यू हैव नेवर हर्ड यू आर गोइंग टू हियर
आपने अभी तक ना सुनी हुई बातों को आप सुनने जा रहे हैं करके बोल सुनी न संभड़ीली बातों ने तुम्हें संभड़वा जी रहे छे एम तेने कहयो द थिंग्स दैट यू हैव नेवर सीन यू विल बी एबल टू सी आपने अभी तक ना देखी हुई बातों को अब देखोगे अने जी बातों ने तुम्हें जोई नथी ती बातों ने तुम्हें निहारशो हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव दैट God is going to do such things in our lives. आप में से कितने लोग विश्वास करते हैं कि हमारे जीवन में भी परमेश्वर ऐसे ही काम करने जा रहे हैं? तुम्हारा मति कितने लोग को विश्वास करे छे कि प्रभु अपना जीवन में भी बातों करवा जा ही रहे छे? With a sincere heart, all those who believe that He can do such a work in me and through me in the assembly shout hallelujah. और खराई के साथ ऐसे सोचने वाले कि वो मेरे अंदर और मेरे द्वारा ऐसा काम करने जा रहा है ऐसे लोग आए हाथ को उठाते हुए हालेलुया पुकारे खराई थी जी लोग ये प्रमाणे कहे छे कि प्रभु मारा वड़ी तथा मारा मां आ प्रमाणे नु काम करवा जा रहे छे हाथ ने ऊपर करीने हालेलुया कहे If thou wouldst believe, thou should see the glory of God. आप विश्वास करने से प्रभु की महिमा को देखने पाओगे. जो तुम्हें विश्वास कर शो, तो देव ना महिमा ने जो शो. Take this as a word of prophecy. आप ये भविष्यद्वाणी के वचन होकर ले लीजिएगा. अरे तेरे तुम्हें भविष्य ने वचन तरीके से स्वीकारो. Hereafter, God will not allow the church of God to go in this way. इसके पश्चात प्रभु की कलीसिया को इसी तरीके से आगे बढ़ने आगे प्रभु नहीं देगा. अरे आज प्रमाणे देव नी मंडली ने ती आगे बढ़वा देश्य नहीं. You are either chaff or a corn. God will not allow you to be in between. आप या तो गेहूं के दाने हैं या तो आप उसके भूसा है दोनों के बीच में एक जगह एक स्थान नहीं है. अरे तमे घऊ नो दाणो अथवा भूसा नी मध्य नो एक स्थान नथी. Is there anyone who desires after the holiness of God? परमेश्वर के पवित्रता को आग्रह करने वाले लोग कोई भी यहाँ है क्या? अरे देव नी पवित्रता ने आग्रह करना रे लोगों को यही अच्छे किशु. Some call themselves believers. They go after the fashion of the world. कई लोग अपने आप को विश्वासी कहते हैं उसके पश्चात दुनिया के सारे फैशनों के पीछे वो जाते हैं घना लोगों पोते पता नहीं विश्वासी तरीके उड़के छे परंतु असंसार नी दरेक वेशभूषा नी पाछळ जाय छे they remove the jewels and come here for the meeting then afterwards when they go back they wear all jewels and go वे मीटिंग में आते समय अपने सारे गहनों को उतार कर रख कर आते हैं वापस जाने के बाद दोबारा पहन लेते हैं सभा में आती वेड़ाई थी वो पोताना दरेक घरेणा ने उतारी देशे परंतु सभा पश्चात दरेक घरेणा पहरी लेशे they have got makeup and everything lipstick and everything when they come for the meeting everything is was wiped out clean बाहर जाते समय मेकअप लिपस्टिक वगैरह लगा कर जाते हैं लेकिन मीटिंग में आते समय सारा साफ साफ होकर चेहरा साफ दिखता है अने जरे ते बाहर जाय छे लिपस्टिक तथा मेकअप करीने जाय छे परंतु सभा में आप उसको नहीं मानोगे जरे हमें तुमने कहीसु त्यारे तुम्हें तेने मानसो नहीं सो दैट इज द रीजन व्हाई गॉड इज टेकिंग आवर यूथ टू हेल फायर और इसलिए हमारे जवानों को इन्हीं दिनों में प्रभु नरक में नरक दिखाने ले जाता है अने तेथीश प्रभु जवानों ने नरक दिखाड़े छे God took a child of God to hellfire परमेश्वर के एक बालक को नरक में ले गया प्रभु ना एक बालक ने प्रभु नरक में ले गयो सो देन ए बॉय God Jesus showed him a boy he was not able to stand in one place running here and there वहां जाकर एक यीशु मसीह ने उस व्यक्ति को उस जवान व्यक्ति को एक लड़के को दिखाया जो एक जगह पर खड़े नहीं रहता यहाँ वहां दौड़ते ही रहता है अरे प्रभु यीशु ही एक बालक ने छोकरा ने बताव्यू ते एक स्थान में उभो रहयो न परंतु आम तेम दौड़तो रहयो When she keenly observed as to what the reason was. उस बालिका ने ध्यान से उसको देखा तब उसने कारण समझ लिया अने ते छोकरी जरे तेने ध्यान थी जोयु ते कारण समझी गई Around his neck worms उसके गले या गर्दन के चारों तरफ कीड़े हैं अने तिनी गड़ानी आसपास कीड़ा हता फुल ऑफ वर्म्स किलिंग हिम और उसके गर्दन भरकर कीड़े हैं वे उसको मार रहे हैं तिने गड़ानी आसपास जे कीड़ा हता तिने डंकी रहा था व्हाई इज इट दिस हाउ कम दिस वर्म्स आर ट्रबलिंग हिम नाउ यू सो ये कीड़े उसको क्यों तकलीफ दे रहे हैं शा माटे आ कीड़ा तिने डंक मारता हता यू नो व्हाट जीसस टोल्ड हिम यीशु ने क्या जवाब दिया यीशु ने तिने कही उस बालिका को क्या जवाब दिया प्रभु यीशु मसीह से तेने कहियो व्हेन ही वाज लिविंग इन दिस वर्ल्ड ही वाज यूजिंग स्प्रे दैट इज व्हाई ही इज सफरिंग इस दुनिया में जीते समय वो लड़का जो है वो स्प्रे अपने गर्दन में लगाता था उसी का नतीजा अभी है अने तेरे जे संसार में जीवतो हतो पोताना गर्दन पर शरीर पर स्प्रे मारवाने कारणे आजे तेनी अवस्था आवी छे ओके यू आस्क योर अंकल्स आंटीस हु आर इन दुबई गल्फ एंड अदर प्लेसेस टू व्हेन व्हेन दे कम हियर टू गेट गुड स्प्रे
आपके चाचा और आंटियों को, आपके मामा को जो गल्फ में, दुबई में, बाहर विदेशों में रहते हैं, आप वो आते समय स्प्रे और परफ्यूम ले आने के लिए मांगते रहिएगा। तुम्हारा सगा वाला जो बाहर विदेश ना देशों में रहे छे, जरे ते पाछा आवे त्यारे तमे ते उने स्प्रे ले आओ माटे, सारा स्प्रे ले आओ माटे कहो छो। When we mention, you won't listen to us. So therefore, God is taking young girls and boys to help her. हमारे कहने के लिए आप कान नहीं लगाते हो, इसीलिए जवान लड़कों को, लड़कियों को परमेश्वर नरक में ले जाकर इन्हीं बातों को दिखाकर सिखाता है। अमे जरे तुमने कही छे तमे ते बातों ने स्वीकारता नथी, तेरी प्रभु पोते जुवान छोकरा तथा छोकरी ने नरक में लई जीने दिखाड़ी रह्यो छे। Then God showed her one more person. परमेश्वर ने फिर आगे और एक व्यक्ति को दिखाया। प्रभु ये भी एक व्यक्ति ने दिखाड़ियो। Devil took hold of the hand of a young girl and then he with a plier and then pull her nose out. और शैतान आकर उस लड़की का एक हाथ को पकड़कर उसके नाखून उखाड़ कर ले, एक प्लायर लेकर नाखून को उखाड़ रहा है। अने शैतान आवी ने ते एक छोकरी ना हाथ ने पकड़ी ने तेना आंग हाथ मथी नख ने खेची रह्यो तो। She would scream, scream. ऐसे करते समय वो लड़की चिल्लाकर चीख रही है। अने ते समय ते छोकरी चीसू पाड़ती हती। Again she asked Jesus, why is Satan doing this to her? तभी ये बालिका ने यीशु से पूछा, शैतान इसे ऐसा क्यों कर रहा है? अने तेरी ते छोकरी ते प्रभु यीशु ने पूछू, शा माटे शैतान आवू करे छे? When she was in this world, she was using nail polish. इस दुनिया में रहते समय वो लड़की या वो स्त्री वो नेल पॉलिश का इस्तेमाल करती थी। अने जरे ते छोकरिया संसार में हती त्यारे ते नेल पॉलिश ने वापरती हती। ओके, एंजॉय नेल पॉलिश। इफ सारी इज क्रीम, दिस आल्सो क्रीम। इफ दिस इज वायलेट, दिस आल्सो वायलेट। आप भी नेल पॉलिश को इस्तेमाल करके आप मौज करिएगा। आपके साड़ी के कलर के अनुसार आप नेल पॉलिश लगाने में आप मन लगाते हो ना? अने तमे तमारा मन मर्जी प्रमाणे नेल पॉलिश वापरता होई शको, तमारा वस्त्र प्रमाणे तेज रंगनी नेल पॉलिश वापरीने आनंद करती करी शकता होई शको। God is giving this as a warning. For some of us it is the last warning. परमेश्वर एक चेतावनी के तौर पर ये दे रहा है, कईयों को ये अंतिम चेतावनी है। प्रभु तुमने एक चेतावनी नी रूप में कही रहे छे, केटलाक लोगों माटे आ छेल्ली चेतावनी छे। But on the other hand, लेकिन दूसरे बाजू, परंतु बीजा पड़खे, we would have committed so many mistakes. हमने कई गलतियां कर गुजरे होंगे, अपने घनी बड़ी भूलों ने करी बैठा छे। Is there anyone here who loves holiness more than anything else? लेकिन यहाँ ऐसा कोई मौजूद है जो और कोई चीज या वस्तु से अधिक पवित्रता से प्रेम करते हैं? અહીં સૌથી વધારે બીજી કોઈ વાતોથી વધારે જે કોઈ પવિત્રતાને પ્રેમ કરે છે, God is going to take them in their in his hands. પરમેશ્વર એસો કો અપને હથેલી મે ઉઠા લેગા, અને પ્રભુ તેવાને પોતાની હથેળી માં ઉચકી લેશે. He is going to wash them thoroughly. ઉને પૂરી તરહ સે ધોકર શુદ્ધ કરેગા, તેવાને તે સંપૂર્ણપણે ધોઈને શુદ્ધ કરશે. They are going to fall at his feet. વે ઉસકે ચરણો પર ગિર પડને વાલે હે, અને તેઓ તેના ચરણો માં પડી જશે. They will cry out, Lord, be merciful towards me. I will never do it again. हे प्रभु मुझ पर दया दिखा, आगे कभी ऐसा नहीं दोहराऊंगा करके वे रोने वाले हैं। अने तेओ कहसे, तेओ रड़शे, हे प्रभु आगर थी अप्रमाणे वो नहीं करूं। Through them God is going to do exploits. उनके द्वारा परमेश्वर अद्वैतों को करने वाला है। अने तेना द्वारा ते प्रभु एक उन्नति करनार छे। Third. तीसरा। त्रीजू। When we turn to the book of Acts chapter 20 verse 8. प्रेरितों के काम 20वें अध्याय के 8वें वचन की ओर जब हम मुड़ते हैं। प्रेरितों कृत्यो 20वें अध्याय तिनी 8वीं कलम तरफ। जिस अटारी पर हम इकट्ठे थे उसमें बहुत दिए जल रहे थे। जे वेड़ी पर हमें एकटा थया हता त्यां घणा दीवा बढ़ता हता। And there were many lights in the upper chamber where they were gathered together. Lights in the upper chamber. अटारी में ज्योतियां ने मेड़ी पर दीवा सड़कता था। So Saint Paul was preaching till late in the night. प्रेरित पौलुस देर रात तक प्रचार कर रहा था। अने प्रेरित पौल मोड़ी रात सुधी संदेश वापतो हतो। Lights denote so many wonderful things in the Bible. दिए या ज्योति जो है बाइबल में कई सुंदर सुंदर बातों को दर्शाता है। दीवा अथवा प्रकाश बाइबल में घनी सारी बातों ने प्रकट करे छे। Scientists have not given a proper definition for light. प्रकाश के लिए या ज्योति के लिए वैज्ञानिकों ने कोई ठीक एक डेफिनेशन या ठीक एक समझ नहीं दिया है। वैज्ञानिकों दीवा माटे अथवा प्रकाश माटे कोई सारी समझण आपी नहीं। Where does it originate?
how does it come, where does it go, they are not able to give an explanation. वो कहाँ से उत्पन्न होकर कहाँ से आता और कहाँ जाता उसका कोई समझ या सुझाव वे दे नहीं पाते हैं. ते क्या थी उद्भवे छे क्या थी आवे छे क्या थी जाई छे ते ते समझी सके अथवा कही सकता नथी. It's only presumption. It can be this, it can be that. उसके लिए कई बातों का अनुमान किया जाता है कि ऐसा हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है. अने तेना माटे कई धारणा करवामां आवे छे आ प्रमाणे बनी शके आ प्रमाणे होई शके. A child of God is supposed to live as light in this world. एक परमेश्वर का बालक इस संसार में एक प्रकाश या ज्योति होकर जीना है. एक ईश्वर ना बालक या संसार में अजवड़ा रूपे जीवो जोईए. I'll just give three explanation for the spiritual light. और आत्मिक ज्योति के लिए केवल तीन समझाव मैं आपको देना चाहूंगा. आत्मिक प्रकाश विषय हो तुमने त्रण समझण आपीश. When we turn to the book of Matthew chapter 6 verses 22 and 23. मत्ती रचित सुसमाचार 6वें अध्याय के 22 और 23वें वचन में जब हम आते हैं. मत्ती ने लिखेली सुवार्ता 6ठो अध्याय तिनी 22वीं तथा 23वीं कलम आस्ती विड़ाए. सरीनो दीवो ते आंख छे ए माटे जो तारी आंख निर्मल होय तो तारू आखू शरीर प्रकाश से भरेलू थसे पण जो तारी आंख भूंडी होय तो तारू आखू शरीर अंधकारे भरेलू थसे माटे तारा मा जे अजवाड़ू छे ते जो अंधकार रूप होय तो ते अंधकार केटलो मोटो. क्योंकि जहां तेरा शरीर का दिया आंख है इसलिए यदि तेरी आंख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उज्याला होगा परंतु यदि तेरी आंख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा. प्लीज बी टू गॉड. प्रभु के नाम की स्तुति हो. प्रभु ने नाम की महिमा हो. इट्स मेंशन आई इज द लाइट ऑफ द बॉडी. यहां हम पढ़ते हैं शरीर का दिया आंख है. अहीं केवम आवे छे के आंख शरीर नो दीवो छे. इफ द आई इज प्रॉपर द होल बॉडी इज लाइट. यदि आंख ठीक रहता तो सारा शरीर या ठीक रहेगा. जो आंख निर्मल हसे तो आखो शरीर प्रकाश से भरेलू हसे. द वर्ड ऑफ गॉड मेक्स मेंशन ऑफ लस्ट ऑफ द फ्लेश लस्ट ऑफ द आईज एंड द प्राइड ऑफ लाइफ. और परमेश्वर का कलाम आंख की लालसा शरीर की लालसा और जीवन का जीविका का घमंड के बारे में कहता है. अपने वचन प्रमाणे कहे छे के आंखों ने अभिलाषा शरीर ने अभिलाषा जीविक नु घमंड. यू आर कॉल्ड टू बी लाइट्स इन दिस वर्ल्ड. आप इस संसार में प्रकाश होकर या उजियाला होकर जीने के लिए बुलाए गए हैं. तमे आ जगत मा अजवाड़ा रूपी जीवा माटे तेड़वा मा आव्या छो. व्हाट इज वन ऑफ द क्वालिटीज ऑफ लाइट. प्रकाश का या उजियाले का एक गुण क्या है. अजवाड़ो नो एक गुण कयो छे. Light can drive away darkness, but darkness can never drive away light. Ujjala aane mein andhkar bhag bhagaya ja sakta hai, lekin andhkar aate hain to kabhi bhi ujjala usko ujjale ko bhaga nahi sakte hain. Jare ajwadu thai chhe tyare andhkar dur thai chhe, parantu jo andhkar aava chhata ajwadu dur thashe nahi. We are in this room full of light. Hum is abhi hall mein sare ujjala mein baithe hain. Apne atyare hall ma ajwadu ma baithela chhe. Can darkness come as it wants? अंधकार अपने आप से अंदर आ सकता है क्या? शु अंधारू पोतानी जाते आवी शके. But at the same time you go into a dark room. लेकिन आप एक अंधेरे भरे कमरे में जाइएगा. परंतु जब मैं अंधारा रूम में जाओ. Go with a torch that darkness is dispelled. एक टॉर्च लेकर जाइए वहां का अंधियारा भाग दिया भगाया जाएगा. अने तमे टॉर्च लेने जाओ त्यानो अंधारो दूर थई जसे. So also your eyes must be pure, your eyes must be light. आपके आंख निर्मल होने चाहिए और वो उजियाला कर देगा. अने तमारी आंखो निर्मल हसे तो ते अजवाड़ो प्रकाश. Shall we examine ourselves and find out how our eyes are? हमारे अपने आप को हम जांच कर हमारी आंखें कैसी है कर हम जांच ले. अपने अपना जीवन तपासी नहीं जुए कि अपनी आंखों की विच. If I go to the shop, I want all things. मैं एक दुकान में जाने से वहाँ की सारी बातों को मैं खरीदना चाहता हूँ. अने जो एक दुकान में जवा थी दरेक बातों ने खरीदी करवा मांगू छू. You want all clothes. मैं सारे कपड़ों को ले आना चाहता हूँ. दरेक वस्त्रों ने ले आवा मांगू छू. If a woman for go to the utensil shop, they want all vessels. स्त्रियां जब बर्तनों के दुकान में जाते हैं वहां के सारे बर्तन खरीद कर लाना चाहते हैं. अने स्त्रियों जरे वासनों ने दुकान में जाई छे दरेक वासनों खरीदी करवा मांगे छे. Slowly Satan has hooked us to such an extent. Cinema after cinema you can watch in this. और ऐसे धीरे धीरे से शैतान ने हमें ऐसे फंसा कर रखा है कि आप जितना चाहे एक ही मोबाइल के अंदर कितने सिनेमा देखना चाहते हो देख सकते हो. अने शैतान ने अपने प्रमाणे फसावी ने राखेला छे कि मोबाइल में तमे गमे तेटला सिनेमा जोवा आग्रह करता होय तमे तेने जोई शको छो. नो गॉड हैज कॉल्ड यू टू बी अ सेंट. नहीं परमेश्वर ने आपको संत होकर रहने के लिए बुलाया है. ना प्रभु ये तमने संत तरीके रहवा माटे बोलावेला छे. लेट योर आईज बी प्योर लेट इट बी
right in the sight of God. आपके जो आंखें हैं वो निर्मल रहने दे, परमेश्वर के नजरिए में वो ठीक रहने दे. तुम्हारी आंखों निर्मल रहवा दो, यीशु की दृष्टि में ते योग्य गणावा दो. In English it is mentioned, if thine eyes is single. और अंग्रेजी में ऐसे लिखा है कि यदि आपकी आंख एक 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 होकर रहता है तो. अरे अंग्रेजी में लिखा है कि जो तुम्हारी आंख एक हो. Your eyes must be focused only on Jesus and things which pertain to holiness and nothing else. और आपकी जो नजर है, आपकी आंखें जो है, केवल यीशु मसीह पर और पवित्रता के बातों पर ही लगे रहे और कोई बात पर नजर ना जाए. तुम्हारी आंखों फक्त यीशु ने ताकती रहे, फक्त पवित्रता की तरफ दृष्टि करती रहे, बीजी कोई तरफ नजर न मांडे. सेकंड, व्हाट डज आई डिनोट? अगला, आंख क्या दिखाता है? बीजू आंख शू दर्शावे छे? When we turn to the book of Philippians chapter 2 verse 15. फिलिपियों की पत्री दूसरे अध्याय के 15 वचन में जब हम आते हैं. फिलिपियों पत्र बीजू अध्याय 15 में कलम आस्ती विड़ा है. Even Jesus says, यीशु मसीह कहता है, प्रभु यीशु क्रिस्त कहे छे, I am the light of this world. मैं इस जगत का ज्योति हूं. वो आज जगत नो जवाड़ू छु. Looking at the disciples he said, ye are the light of this world. चेलो को देख कर कहता है कि आप जगत के ज्योति हो. शिष्य ने जो इन्हें कहे कि तुम्हें जगत नो अजवाड़ू छो. Read that verse 2:15. दूसरे अध्याय 15 वचन पढ़िए. बीजो अध्याय 15 में कलम अच्छी. Seeing that ye shine among the crooked and shine as lights among the crooked and perverse nation. आप एक टेढ़े और हटीले जाति के बीच में दीपकों के समान आप उज्वला उज्याला देते रहे. कुटिल तथा आड़ी प्रजानी मध्य में ज्योतियों ने जीवा जगत में दिखावा जुई. नो नीड टू प्रीच, नो नीड टू स्पीक, नो नीड टू बोस्ट अबाउट योरसेल्फ. आप प्रचार करने की जरूरत नहीं, बोलने की जरूरत नहीं, अपने बारे में घमंड करने की जरूरत नहीं. तुम्हारे संदेश छोपनी जरूर नहीं, तुम्हारा विषय कहवानी जरूर नहीं, तुम्हारा विषय घमंड करवानी जरूर नहीं. देयर वाज अ क्रिश्चियन कॉन्फ्रेंस इन यूके. यूके में एक मसीही कॉन्फ्रेंस चल रहा था. यूके में एक क्रिस्ती कॉन्फ्रेंस चली रही थी. फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड पीपल हैड कम टू मेंशन अबाउट द वेज ऑफ द प्रोपेगेटिंग ऑफ द गॉस्पेल. दुनिया के कोने कोने में से लोग आकर, वे लोग अपने अपने देशों में, अपने अपनी जगहों में किस प्रकार मसीहत को प्रचार कर रहे हैं, उस विषय में बात कर रहे थे. अलग अलग देशों में लोग आने ख्रिस्त विषय के भी थे, वो संदेश आपी रहा है तेना विषय जनावता था. सम स्पोक अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्रैक्स. कईयों ने हम ट्रैक्ट बांटते हैं उसके बारे में कहे. घना लोग कहे कि हमें पत्रिका अथवा ट्रैक्ट वाची छे तेना विषय कहू. सम सेड दैट वी प्रे फास्ट एंड सो ऑन. कईयों ने कहा कि हम प्रार्थना करते हैं, उपवास भी लेते हैं. अने घना एको के हमें उपवास लेने प्रार्थना करिए छे. वन यंग गर्ल फ्रॉम अफ्रीका स्टूड अप. अफ्रीका देश में से एक जवान लड़की खड़ी हुई. अफ्रीका देश में एक जवान छोकरी उभी थी. सर व्हेन वी लाइक टू evangelize a particular village. उन्होंने उस लड़की ने कहा कि एक गांव में जाकर हम प्रचार करने या सुसमाचार सुनाने जाते समय. एक गांव में जाने संदेशों संभावती विराए. We don't do anything. हम कुछ भी नहीं करते. हमें कहीं पर करता ना थी. We just put a Christian family in that village. हम जाकर एक मसीह परिवार को वहाँ पर लगा देते हैं. अने हमें ते गांव में एक ख्रिस्ती कुटुंब ने छोड़ी दिए छे. Their lives speak better than words. उनका जीवन कई कामों से अधिक बात करता है. अने ते उनु जीवन ते कामों अथवा शब्दों करता वधारी कार्य करे छे. Let your light shine before men that they may glorify the Lord who is in heaven. स्वर्ग में रहने वाले पिता परमेश्वर को महिमा करने लायक तुम्हारा ज्योति मनुष्य के सामने प्रकाशमान होने दे. आकाश में रहनार देव ना बाप ने महिमा मड़े ते प्रमाणे तुम्हारो जीवन मानुष ने मध्य में दिखाओ जोई. Does your neighbor give a good testimony about you? You are really a light. आपका पड़ोसी आपके बारे में, आप एक ज्योति है करके एक अच्छा गवाही बोल पाएंगे क्या? तुम्हारो पड़ोस मारे नार व्यक्ति तुम्हें एक सारा क्रिस्ती व्यक्ति छो तेवी से तुम्हारी साक्षी आप ही सक्षे के केम. Your classmates, your colleagues, do they give a good testimony about you? आपके क्लास खेल बच्चे या आपके आपके साथ काम करने वाले लोग आपके बारे में अच्छा गवाही देंगे क्या? तुम्हारा क्लास सहपाठी अथवा तो तुम्हारा संगी काम करने वाले लोग तुम्हारा विषय एक सारी साक्षी आपी सके के केम. That is how you are light of this world. ऐसे ही आप जगत को ज्योति बन सकते हो. ए प्रमाणे तुम्हें जगत ना जवाड़ा रूप बनी सको. Along with that there is something called spiritual gifts and then ministries in the church. उसके अलावा कलीसिया में कई आत्मिक वरदान और कई सेवकाइयां हैं. अथवा तो ये सिवाय मंडली में आत्मिक कृपादानों तथा आत्मिक सेवाओं छे. Now it is a sad thing that gifts, spiritual gifts are not operating at all. और ये seldom operate. अभी ये दुख की बात यह है कि आत्मिक वरदान जो है वो कई जरूरत के अनुसार नहीं लेकिन बहुत ही
कम काम में आता है या प्रज्वलित किए जाते हैं। आत्मिक कृपादारो मंडली में जरा पण कार्य न करी ती व्यवस्था में दिखाई छे। वन डे ए सीनियर बिलीवर वाज कंप्लेनिंग अबाउट द बेंगलुरु मिनिस्ट्री। एक बार एक पुराना विश्वासी था जो आकर बेंगलुरु सेवकाई के बारे में कंप्लेन या शिकायत कर रहा था। एक समय वरिष्ठ विश्वासी बेंगलोर नी सेवा विषय तो फरियाद करी रहा था। पास्टर डू यू नो इन आवर असेंबली देयर इज नो प्रोफेसी एट ऑल। पास्टर जी हमारे कलीसिया में भविष्यवाणी होती ही नहीं है, ये आपको मालूम है क्या? पास्टर जी हमारी मंडली में कोई भविष्यवाणी थती नहीं, शो तो मैं जान छे। एवरीथिंग मस्ट चेंज। सब बातें बदलनी चाहिए, सब बातों को बदलाया जाना चाहिए। हर एक बात तो बदलावी जोई। सम बिलीवर्स बिलीव The prophecy more than the messages you misunderstand. कई विश्वासी लोग भविष्यवाणी पर संदेश से ज्यादा विश्वास करते हैं। घना बदा विश्वासी संदेश करता भविष्यवाणी पर विश्वास करे छे। Even if the servant of God gives the message from the heart of Jesus also, they will not believe that much. They want a person to prophesy. Thus saith the Lord. That they believe more. यीशु मसीह के दिल से निकाल कर प्रचार परमेश्वर का दास करने से भी उस पर विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन एक भविष्यवाणी होगी कि परमेश्वर यूं कहता है कर उस पर ज्यादा विश्वास करेंगे। अने जो एक प्रभु नो सेवक प्रभु यीशु नी पासे थी तेना हृदय प्रमाणे एक संदेश आपवा छता ते उपदेनी पर विश्वास करता नथी, परंतु जो एक सेवक प्रभु भविष्यवाणी करसे होय अने प्रभु एम कहे छे तो तेओ वधारे विश्वास करे छे। फोर्थ चौथी बात चौथो पावर ऑफ रिजरेक्शन पुनरुत्थान की सामर्थ्य पुनरुत्थान सामर्थ। When we turn to the book of Acts chapter 9 verses 27 to 29 प्रेरितों के काम 9वें अध्याय के 27 से 37 to 39 37वें वचन से 39वें वचन तक जब हम पढ़ते हैं। प्रेरितों ना कृत्य 9वां अध्याय 37वीं कलम थी 39वीं कलम सुंदी वाचती विड़ा है। Yeah, we see the power of resurrection। यहां हम पुनरुत्थान की सामर्थ को देखते हैं। अहीं आपणे पुनरुत्थान ना सामर्थ ने जोई शके। તે સમય તે માદી પડીને ગુજરી ગઈ અને તેઓએ તેને નવડાવીને મેડી પર સોડાવી હવે લોદ યાફા પાસે હતું તેથી પીતર ત્યાં છે એવું સાંભળીને શિષ્યોએ બે માણસને તેની પાસે મોકલીને એવી અજીજી કરી કે અમારી પાસે આવવાને તું ડીલ કરીશ થઈ ત્યારે પીતર ઉઠીને તેઓની સાથે ગયો અને તે આવી પહોંચ્યો એટલે તેઓ તેને મેડી પર લઈ ગયા સગડી વિધવાઓ તેની પાસે ઊભી રહીને રુદન કરતી હતી અને દોરકસ તેઓની સાથે હતી ત્યારે તેણે જે અગરખા તથા લુગડા બનાવ્યા હતા તે તેઓ તેને દેખાડતી હતી। પ્રીઝ બી ટુ ગો પ્રભુ કે નામ કી સ્તુતિ હો। ઈશ્વરના નામની મહિમા થો। વી હિયર વી સી અ લેડી શી ઇઝ ડેડ। યહાં પર એક ઔરત જો મર ચુકી હૈ ઉસકે બારે મે હમ યહાં દેખતે હૈ। અહીં આપણે એક મરણ પામેલી સ્ત્રી વિશે જોઈ શકીએ। વી આર રીડિંગ ફ્રોમ ધ બુક ઓફ એક્સ ચેપ્ટર 7 Acts chapter 9 verses 37 to 39। हम प्रेरितों के काम 9वें अध्याय के 37वें वचन से 39वें वचन तक पढ़ रहे हैं। અહીં આપણે પ્રેરિતોના કૃત્યો 9મો અધ્યાય 37મી કલમથી 39મી કલમ સુધી વાંચી રહ્યા છીએ। All stopped, no pulse, they wash her body and then put her in the upper room। उन्होंने सारे काम बंद कर उनको उसके मुर्दे शरीर को धोकर उन्होंने अटारी में लाकर रख दिया। અને તે મરણ પામવાની કારણે તેના દરેક કામોને કરીને તેણે ઉપરની મેડીમાં લઈ જઈને મૂકી। No, Peter goes there। वहां पत्रस जाता है। अनेक पीतर त्यां गयो। In the name of Jesus। यीशु मसीह के नाम में। प्रभु यीशु क्रिस्त का नाम। Get up। उठ जा। उठ। So in the upper room there is power of resurrection। इसलिए अठारी में वहां पुनरुत्थान की सामर्थ उतर कर आई। अनेक ऊपर नीमेडी में पुनरुत्थान पराक्रम कार्य थयो। Jesus says, I am the resurrection and the life। यीशु मसीह कहता है कि मैं ही पुनरुत्थान और जीवन हूं। प्रभु यीशु क्रिस्त कहे छे कि पुनरुत्थान तथा जीवन हो छु। It has got a spiritual meaning, it has got a physical meaning also। उसके लिए एक आत्मिक अर्थ साथ ही साथ एक भौतिक अर्थ भी है। અને તેની સાથે આત્મિક અર્થ અને સાથે ભૌતિક અર્થ પણ છે। In one of our faith homes। हमारे एक faith home में। हमारा एक विश्वास भवन में। A lady died leaving behind few small children। कई छोटे बच्चों को रख छोड़ के एक स्त्री का मौत हो गया। નાના બાળકોને મૂકીને એક સ્ત્રીનું મૃત્યુ થયું। હસબન્ડ ફેલ બિફોર ધેટ પાસ્ટર। પતિ આકર વો પાસ્ટરજી કે સામને ગિર પડ્યા। અને પતિ આવીને પાસ્ટરની સામે પડી ગયો। પાસ્ટર સમહાઉ આઈ વોન્ટ માય વાઇફ બેક। હે પાસ્ટરજી મુજે કેસે કેસે ના કેસે અપની પત્ની વાપસ ચાહીએ। પાસ્ટરજી ગમે તે રીતે મને મારી પત્ની જોઈએ। ઓલ ધેટ એવિડન્સ ઓફ ધે વે પ્રિપેરિંગ ફોર ધ બરિયલ।
उस वो तो मौत या उसका मौत घोषित किया गया, वे उसके दफन की क्रियाओं का शुरुआत कर रहे थे। अने तेओ ने मौत जाहिर करवा मावियो ने दफन नी माटे तैयारी करी रहा था। Without I've got small children, who will take care of these children? वो पति आकर कहने लगा, मेरे लिए छोटे बच्चे हैं, इनका ध्यान कौन रख पाएगा? पति आवी ने कही छी के मारे माटे नाना बाळको छी, कौन तिनी संभाळ राखशे? Pastor prayed. पास्टर जी ने प्रार्थना किया। पास्टर जी प्रार्थना करी। Immediately she opened her eyes. तुरंत उस स्त्री ने आँख खोल दी। तरत उस स्त्री अपनी आँख खोली उघाड़ी। We don't advertise these things outside. इन बातों का प्रचरण हम बाहर नहीं करते हैं। अने अमे आवातो नहीं बाहर जाहिर करता नथी। I can mention about so many things, also few examples like that. ऐसे कई उदाहरण बोलने के लिए हैं। अवा घणा बधा उदाहरणो केवा माटे छे। There was a young boy in Bangalore. बैंगलोर में एक जवान लड़का था। एक बैंगलोर में एक जवान छोकरो हतो। हर ओल्डर सिस्टर हैड डाइड स्टैंडिंग फॉर डिवाइन हीलिंग। और उसका जो बड़ा बड़ी बहन है वो ईश्वरीय चंगाई में खड़े रहकर वो भी मर गई। तिनी मोटी बहन ईश्वरीय साजापण माटे उभा रहीने मरण पामी। नाउ ही वाज द ओनली चाइल्ड। अभी अकेला बच्चा बचा हुआ है। अभी ते एक नो एक बालक हतो। मदर हैड टू फेस सो मेनी प्रॉब्लम्स इन हर ऑफिस बिकॉज़ ऑफ दैट। माता जी को अपने ऑफिस में उसके वजह से कई तकलीफें उठानी पड़ी। अने तेनी कारणे तेनी माता ने दफ्तर में घणा बधा मुश्किलों ने वेठवी पड़ी। Now this boy became sick. अभी ये लड़का भी बीमार पड़ गया। हवे ते बालक मांदू पड़ियो। His condition was so bad, blood started to ooze from his eyes. उसकी हालत इतना गंभीर हो गया कि उसकी आंखों में से खून बहने लगा। हवे तेनी अवस्था इतनी गंभीर बनी कि तेनी आंखों माथी रक्त वहवा लाग्यो। Mother was also shaken. उनकी माता जी भी देखकर हिल गई। अने तेनी माता पण कांपवा लागी। She approached him and said, "Child, shall we go to the hospital?" वो जाकर लड़के से पूछी, बच्चे क्या हम अस्पताल जाएं? अने तेने जेने पतना दिकरा ने पूछी कि शुत अपने दवाखाने जाइए। He was a little boy, maybe about 8 or 10 year old. 8 या 10 साल का उम्र का एक छोटा लड़का था। अने ते बालक 8 अथवा 10 वर्ष नी उम्र नु हतो। You know what was the reply he gave? उस लड़के का जवाब सुनना चाहोगे? अने ते बालक के कयो प्रत्युत्तर वाडियो। Mother could not believe. माता जी भी विश्वास कर नहीं पाई। माँ तेरी पर विश्वास करी शकी नहीं। मम्मी, are you not ashamed to ask me to go to the hospital? मम्मी, अस्पताल जाने की पूछता आप मुझसे कर रही है, आप आपको शर्म नहीं आती? हे माँ, तू मने दवाखाने ले जाओ माटे कहता शर्म लगती नथी? One more sentence he added. उसके साथ और एक बात उसने जोड़ दिया। तेरी साथे तेरे बीच एक बात कही। Don't you know that there is life in the dead bones? मरे हुए हड्डियों में भी जीवन है, ये बात आप नहीं जानते हो क्या? शू तू जानती नथी कि मरेला हड़का में जीवन छे? He was quoting from the book of Ezekiel chapter 37. Ezekiel 37वें अध्याय में से वो बोल रहा था। हजकेल 37वां अध्याय मती ते कही रहे हो तो। Oh bones, hear the word of God. हे हड्डियां, परमेश्वर के कलाम सुन ले। हे हड़का, तुम यीशु नु वचन सांभलो। He told her, don't you know that there is life in the dead bones? वो लड़का उस मां से कहता है कि तुम नहीं जानती हो कि उस हड्डियों में भी जीवन होता है। अने ते बालक पुतनी माने कही रहे हो तू केशु तू जानती नथी कि मरेला हड़का मा जीवन होय छे। The meaning was, I'm far better than that. I will not come to that stage now. उस लड़के का सवाल का मतलब ये था कि मैं उस सुखी या मरे हुए हड्डियों से बेहतर हालत में हूँ। अने ते बालक नो प्रत्युत्तर वाड़वानो उत्तर ये हतो कि ती सुखा हड़कनी अवस्था करता हूँ वधारे सारो छू। That word which came out of his mouth revived him. उसके मुंह से निकले हुए वचन उसी को जिला दिया। तेना मुख माथी निकले ना वचन ने तेने जीवाड़ियो। He is alive today, overweight, is father of two children. आज भी वो जिंदा है, मोटा है और दो बच्चों का बाप है। आज ये पंटी जीतू छे, बड़े बाड़क नो पिता छे। The power of resurrection is working even today. आज भी पुनरुत्थान की सामर्थ्य ताकत काम करती है। आज ये पुनरुत्थान नो सामर्थ्य ते कार्य करी सके छे। One more instance we see in the book of 2 Kings chapter 4 verses 10. दूसरे राजाओं की किताब चौथे अध्याय के 10वें वचन में और एक घटना को देखते हैं। बीजो राजा चौथो अध्याय दिनी दसवीं कलम में बीजा एक बनाव ने जो इश्क किए। We see about a person called Elisha. एलिशा नामक व्यक्ति के बारे में हम देखते हैं। एलिशा नामना व्यक्ति विषय जो ही सके। There was a room for him in the upper chamber. उसके लिए अटारी में उन्होंने एक कमरा तैयार किया। अने तेओ ये ऊपर एक नानी ओरडी तैयार करी। To cut the story short. संक्षिप्त में कहने में। टूंक मां केवा थी।
In verses 21 and 35, what do we read? 21वें और 35वें वचन में हम क्या पढ़ते हैं? 21वीं तथा 35वीं कलम में शू वाची सके। She takes this dead child and puts him in that upper room. वो स्त्री अपने बच्चे को मरे हुए बच्चे को ले जाकर उस अटारी में छोड़ देती है। अने तेरे ऊपर जी ने ते बाड़क ने सुवाड़ियो। Again we see the power of resurrection in that room. वहाँ पर भी उस कमरे में पर पुनरुत्थान की सामर्थ्य को हम देखते हैं। अने तेरे ओल्डा में फ्री थी पुनरुत्थान पराक्रम ने जुई सके। Sometimes you may be spiritually dead. शायद अब आत्मिक तौर से मरे हुए होंगे। कदाचित अपने आत्मिक रीति मरण पर मिला हो सके। Sometimes you may be sick, you are about to die. God would, doctors would have written you off. हो सकता है कि आप बीमार हैं, मरने पर हैं, मरने के तट पर आ गए हैं, डॉक्टरों ने आपका हाथ छोड़ दिया है। कदाचित तुम्हें मरणीय बांधगिरी अवस्था में हो सको, मरणीय शैया पर पहुंची ना हो सको, डॉक्टरों ने तुम्हारा हाथ छोड़ दिया हो सके। Doctors would have given you only 1 month time or 6 months time. डॉक्टरों ने वैद्यों ने आपको केवल 1 महीना या 6 महीना जीने के लिए रखा दिया होगा। कदाश डॉक्टर ने तुम्हारी माटे 1 महीनो अथवा 6 महीना जीव माटे रखा हो सके। It may be for you, it may be for someone else in your family or someone else, some friends. आपके लिए नहीं, शायद हो सकता है आपके परिवार में कई किसी के लिए हो या आपके दोस्तों में से किसी के लिए ऐसा हो सकता है। कदाश तुम्हारा माटे ना हो तो तुम्हारा कुटुंब में कोई सभ्य नहीं माटे अथवा तुम्हारा सगा वाला माटे हो सके। There is something called power of resurrection. पुनरुत्थान की सामर्थ्य कहलाने वाली एक बात है। पुनरुत्थान सामर्थ्य कहनारी एक बात छे। Believe in the doctrine of divine healing. ईश्वरीय चंगाई के उपदेश पर विश्वास कीजिए। ईश्वरीय साजापना ना उपदेश पर विश्वास करिए। How long will you be dependent on medicine? And the injections and scanning and other things. दवाइयों पर, इंजेक्शनों पर और स्कैनिंग करते हुए कितने दिन तक आप घूमते फिरते रहोगे? दवाओं पर, इंजेक्शनों पर, स्कैनिंग करता कितना दिवस सुधी फरता रहे सो? As you heard in the message yesterday. कल आपने जैसे संदेश में सुना। गई काले जी प्रमाणे तमें संदेश हो सांबड़ियो। You are not going to die one day before that. एक दिन आपके नियुक्त दिन से एक दिन भी पहले आपका मृत्यु नहीं होगा। तुम्हारा माटे ठरावेला दिवस दी पहला तुम्हें मरण नहीं पामो। It's only Satan trying to scare you. शैतान आपको डराना चाहता है। शैतान तुमने घबराओ मांगी छे। What is mentioned in the book of Job chapter 14 verse 5? अय्यूब के किताब 14वें अध्याय के 5वें वचन में क्या लिखा हुआ है? अय्यूब ने पुस्तक 14वें अध्याय 5वीं कलम में शू लिखेलु छे। Seeing that his days are determined. और उसके दिन गिनित है कर कर जान कर। तेना आयुष्य नी मर्यादा ठरावेली छे। Your lifespan is in his book. उसके आपके आयु उसके किताब में लिखी है। अने तिनी तमारी आयुष्य तिनी गणत्री मा छे। He has put a bond that he may not cross it. उसने एक सीमा रखा है ताकि उसको पार कोई ना करे। तिनी एक मर्यादा रखी कोई तिने उड़ंगी ना सके। When the Lord has put a bond which doctor can extend it. परमेश्वर ने एक सीमा रखा है तो कौन सा डॉक्टर उसको उसको पार कर पाएगा? अने देवी एक मर्यादा ठरावी कयो डॉक्टर तिने पार करी सकसे? You would have heard about the story of Reverend Moody. रेवरेंड मूडी के बारे में आपने कहानी सुनी होगी। रेवरेंड मूडी विषय तुम्हें सांभळ्यु होई शके। He became sick. वो बीमार हो गया। ते मांदो पड़ियो। Then doctor said, "You are a fool. You are killing yourself. You stop working." डॉक्टर ने कहा कि आप एक मूर्ख हैं, आप काम करना बंद कर दें, अपने आप को मार रहे हो। अने डॉक्टर ने कहा कि तू मूर्ख छे, तू पोताने मारी रहे हो छे, तारा काम ने बंद कर। To cut the story short, you know what happened? संक्षिप्त में कहूं तो क्या हुआ आप जानना चाहोगे? अने ती वार्ता ने टूंक में केवाती इशू थयो। दैट डॉक्टर हु गिव दिस वर्डिक्ट डाइड द सेम डे मूडी कंटिन्यूड फॉर 8 more years. उसी दिन ये कहा हुआ डॉक्टर का मृत्यु हो गया, लेकिन मूडी उसके बाद भी कितने सालों तक जिंदा रह गया। अने जीवा डॉक्टर ने कहूं ती डॉक्टर 30 दिवसे मरण पाम्यो, त्यार पछी पण मूडी घणा वर्ष सुधी जीवतो रह्यो। व्हाट डू वी रीड इन द बुक ऑफ Romans chapter 8 verse 11. रोमियो की पत्री 8वें अध्याय के 11 वचन में हम क्या पढ़ते हैं? रोमनों ने पत्र 8वें अध्याय 11वीं कलम में सुवा जी सके। If the spirit of him that raised Jesus from the dead dwell in you, he that raised Jesus will quicken your mortal body. यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो उसी ने मसीह को मरे हुए में से जिलाया, वो तुम्हारे नश्वर देह को भी अपनी आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। यीशु ने जिने मोइला मथी उठाड़ियो तिनो आत्मा जो तुम्हारा में वसतो होय, तो जिने ख्रिस्त यीशु ने मोइला मथी उठाड़ियो ते तुम्हारा वसनार पोताना आत्मा नी मारथी तुम्हारा मर्त्य शरीरो ने पण सजीवन करी शकशे। Tonight how many of you are sick? आज रात के समय आप में से कितने बीमार हैं? आज कितने लोग मंद छे? Will you lift up your hands? अपने हाथ को उठा सकते हैं क्या? तुम्हारा हाथों ने ऊपर करो। If you believe, if thou wouldst believe, thou should see the glory of God. आप विश्वास करोगे तो प्रभु की महिमा को देखने पाओगे। जो तुम्हें विश्वास कर सो तो देव ना महिमा ने जोश। The power of resurrection will touch you right now. पुनरुत्थान की सामर्थ आपको इसी घड़ी अभी छुएगा।
ये सच्चाई पर यदि आप आज विश्वास करोगे टुडे यू थ्रो ऑल मेडिसिंस आउट ऑफ योर कैबिनेट आप अपने कबाड़ में से अपने कमोड में से सारे दवाइयों को आज ही फेंक दे फेंकी देशो व्हाट इज द सामिस्ट से भजन लिखने वाला क्या कहता है गीत शास्त्र नो रचना सु कहे छे आई शैल नॉट डाई आई शैल लिव एंड डिक्लेयर द वर्क्स ऑफ द लॉर्ड मैं ना मरूंगा बल्कि जीऊंगा और प्रभु की कामों को मैं घोषित करूंगा अने हु पोते मरण पामीश नहीं परंतु देव ना कामों नु वर्णन करतो रही हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव दैट वर्स शाउट हालेलुया जितने लोग उस वचन पर विश्वास करते हैं हालेलुया पुकारे जितने लोग ते वचन पर विश्वास करे छे हालेलुया कहे All those who believe in the power of resurrection, shout hallelujah once more. जो पुनरुत्थान के सामर्थ पर विश्वास करते हैं, वे लोग अपने हाथ उठाकर हालेलुया और एक बार पुकारें। जो पुनरुत्थान के सामर्थ पर विश्वास करे जी हाथ ने ऊपर करीने हालेलुया कहे। आत्मा से आजादी है, आत्मा से आजादी है, आत्मा से Once more shout hallelujah और एक बार हालेलुया पुकारे एक बार हालेलुया कहिए विल कम टू डैनियल चैप्टर 6 वर्स 10 दानियल की किताब छठवें अध्याय के 10वें वचन में हम आए दानियल पुस्तक छठो अध्याय तिनी 10वीं कलम आवी है वी हैव कम टू दिस डिस्पेंसेशन नाउ अभी हम इस युग में आ गए हैं अत्यारे अपने आकार में आवी पहुंचिया रीड दैट वर्स उस वचन को पढ़िए ते वचन वाचिए जरे दानियल ए जानियो के फरमान ऊपर सही करवामा आवी छे ત્યારે તે પોતાને ઘેર ગયો તેના ઓરડાની બારીઓ તો યરુશલેમ તરફ ઉગાડી રહેતી હતી અને તે અગાઉ કરતો હતો તેમ દિવસમાં 3 વાર ઘૂંટણે પડીને તેણે પ્રાર્થના કરી ને પોતાના દેવની આભાર સ્તુતિ કરી જબ દાનિયલ કો માલુમ હુઆ કે ઉસ પત્ર પર હસ્તાક્ષર કિયા ગયા હૈ તબ વો અપને ઘર મે ગયા જિસકી ઉપરોટી કોટરે કી ખિડકિયા યરુશલેમ કે સામને ખુલી રહેતી થી ઇનફ ઇનફ Praise be to God. प्रभु के नाम की स्तुति हो प्रभु ने महिमा था In Tamil and other languages it is mentioned he went to the upper room और तमिल और दूसरे भाषाओं में लिखा है कि ऊपरी कोठरी में वो गया in the original also it is mentioned up he went up और वो ऊपर गया करकर या अंग्रेजी में भी लिखा हुआ है अंग्रेजी में तथा बीजी तमिल भाषा में लिखा है कि ते ऊपर ना उड़ा में गयो in the original मूल भाषा में भी ऐसे लिखा है कि वो ऊपर गया मूल भाषा में लिखे लुछे कि ते ऊपर गयो नाउ ए डिक्री साइंड अगेंस्ट हिम अभी एक पत्र पर उसके विरोध में हस्ताक्षर किया गया हवे फरमानो पर तेनी विरोध में साइन करी एवरीथिंग इज गोइंग टू एंड नाउ अब सब बातों का अंत होने वाला है अरे दरेक बातो समाप्त थशे दिस इज व्हाट वी बिलीव ये हम विश्वास करते हैं अपने शु विश्वास करिए नाउ आई एम गोइंग टू बी थ्रोन इन द लायंस डेन अभी मैं सिंह के गुफा में डाला जाऊंगा हवे मने सिंहनी गुफा में ना खमा उसे बट व्हाट डज ही डू हियर लेकिन यहां पर वो खुद क्या करता है परंतु अहीं ते शु करे छे व्हाट डज ही डू हियर यहां पर वो क्या कर रहा है अहीं ते शु करे छे ही गिव थैंक्स इट्स मेंशन यहां हम पढ़ते हैं कि वो परमेश्वर को धन्यवाद करता रहा अहीं ते प्रभु ने धन्यवाद करे छे प्रेइंग इज वन थिंग स्तुति प्रार्थना करना एक बात है प्रार्थना एक बात छे लॉर्ड नथिंग विल हैपन टू मी विदाउट थाई नॉलेज हे प्रभु तेरे जानकारी के बिना मुझे कुछ नहीं होगा हे प्रभु तेरी जानकारी सिवाय मने कहीं पर थशे नहीं यू आर लीडिंग मी थ्रू दिस पाथ इस मार्ग से तू मुझे चला रहा है अने आ मार्ग में तू मने दूरी रहो छे इवन दैट वन हेयर ऑफ आवर हेड विल नॉट फॉल टू द ग्राउंड विदाउट हिज नॉलेज परमेश्वर के जानकारी के बिना हमारे सिर का एक बाल भी नीचे नहीं गिरता देवनी जानकारी बिना अपना माथा नो एक बाल पर नीचे पड़ से नहीं व्हेन डेविल थ्रेटन्स यू विद वेरियस थिंग्स शैतान कई बातों को आपके सामने ले आकर जब दवा देता है शैतान तुम्हारी समय घणी बातों ने मुकीनी तुमने पड़कर आप तो हो शुड नॉट बी शेकन बाय
such things. इन बातों से आप डगमगाना नहीं. तुम्हारे आवातों ती डगमगावू ना जोई. People may come against us. लोग हमारे विरोध में उठ सकते हैं. लोगों अपने विरोध में उठी सकते हैं. World can come against us. सारा संसार हमारे खिलाफ हो सकता है. अखुस संसार अपने विरोध में आवी सके. Remain in the hands of the Lord. That should be sufficient. परमेश्वर के हाथों में बने रहिए. वो आपके लिए बस रहेगा. देवना हाथों में बनी रहिए. अपना मटे दे पूर्तु छे. You should have the integrity which Daniel had. दानियल के लिए जो खराई थी वो आप में पाए जाए. दानियल में जो खराई हती थी तुम्हारा में दिखावी जोई. ओ किंग आई हैव नॉट डन एनीथिंग अगेंस्ट यू. हे राजा मैंने तेरे विरोध कुछ नहीं किया है. हे राजा मैं भूल थी तेरे विरुद्ध में कोई करियो नथी. आई हैव नॉट डन एनीथिंग अगेंस्ट गॉड. मैंने परमेश्वर के भी खिलाफ कुछ नहीं किया है. मैं देव ने विरुद्ध में कोई करियो नथी. प्रिजर्व योर गुड कॉन्शियंस टुवर्ड्स गॉड एंड मैन. परमेश्वर और मनुष्य के सामने एक अच्छे विवेक को बनाए रखे. मानसो तथा देव ने समय एक सारा अंतकरण ने संभाली रखे. Praying alone will not do. Start praising God. Lord, I thank you for this path. केवल प्रार्थना करने से नहीं बनेगा बल्कि आप स्तुति करना शुरू करें. धन्यवाद करिए प्रभु इस मार्ग के लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ. धन्यवाद करता हूँ. फक्त प्रार्थना न करिए परंतु प्रभु जी मार्ग में दूरे छे ते माटे अपने धन्यवाद करता रहिए. Praising God with faith. It will do many wonderful things in our life. विश्वास के साथ परमेश्वर को धन्यवाद करोगे तो हमारे जीवन में कई चमत्कार आप देख पाओगे. विश्वास थी जो अपने देव ने आभार स्तुति करीशु अपना जीवन में महान कामों ने अपने जोई सकीशु. Now lastly coming back to Joshua chapter 2 verse 15. अंत में यहोशू के किताब दूसरे अध्याय के 15वें वचन में आए वापस हम लौट आए. अपने फरी थी यहोशू नु पुस्तक बीजो अध्याय 15वीं कलम तरफ आवी. It is on the, her house was on the wall. और या वो स्त्री राहाब के घर भी वो शहरपनाह के ऊपर था. अने ते स्त्री ना घर मा ते कोट ऊपर रहती हती. It was a war house. क्योंकि वो एक व्यभिचारी का घर था. अने ते एक व्यभिचारी नु घर हतो. It is a brothel. और वो एक व्यभिचार होने वाली जगह थी. अने त्यां व्यभिचार करवामा आवतो हतो. टू मैसेंजर्स आर कमिंग देयर. वहां पर दो लोग आ रहे हैं. अने त्यां बे जासूस आव्या. दे आर गिविंग हर सम इंस्ट्रक्शंस. और उनको कुछ आदेश देते हैं. अने ते उन्हें कई बातमी कड़वा माटे कहे. व्हाट इज दैट इंस्ट्रक्शन. वो आदेश क्या है. अने ते सलाह कही हती. दिस स्कारलेट थ्रेड मस्ट बी टाइड देयर टू द विंडो. ये लाल रंग की डोरी आपके खिड़की पर बांधी जानी चाहिए. अने तरी बारी मा किरमजी रंगनी धोलडी बांधजे. व्हाट इज द सेकंड कमांडमेंट गिवन. और दूसरा कौन क्या आज्ञा दी गई. अने बीजी आज्ञा कई आपवामा आवी. ऑल योर हाउसहोल्ड पीपल मस्ट बी इनसाइड. आपके घराने के सारे लोग उसी कमरे में रहे. अने तारा घरना दरेक लोको ते घरमा भेगा रहे. यू शुड बी अंडर द ब्लड ऑफ जीसस. आप यीशु के लहू के नीचे होने चाहिए. अने तमारे यीशुना रक्तनी नीचे दिखावा जोई. नाउ हर हाउस इज नो longer a war house. अभी आज से उसका घर जो है वो एक व्यभिचारी का घर नहीं है. अभी थी ये घर व्यभिचारी नु घर न थी. Now everything has changed now. सब कुछ अब बदल चुका है. दरेक वातो बदलाई चुकी. What is the instruction there? वहाँ पर क्या आदेश दिया गया. अने त्या कयो संदेश. You are not going to stick your neck outside. आ कोई भी अपना गर्दन बाहर नहीं लगा डालेगा. अने कोई पण तमारा गळा ने बाहर ना काढे. Let anything happen. कुछ भी होने दे. गमेती थाए. Her house is a type for our fellowship, for our ministry, and for the church of God. उसका घर जो है वो हमारा कलीसिया या हमारे सेवकाई के लिए एक दर्शाने वाली बात है. अने ते घर केवा थी ते अपनी सेवकाई अथवा अपनी मंडली ने दर्शावे छे. There was a miracle there. Do you know that? वहाँ पर एक चमत्कार हुआ. क्या आप जानते हैं. शु तमे जानो छो के त्यां एक चमत्कार थयो. When all the walls of Jericho fell flat, you must understand the place where her house was situated, it remained intact. यरियो के सारी शहरपनाह जब टूटकर नीचे गिरा उसका घर रहने वाले शहरपनाह का वो भाग वो वहीं पर खड़ा रहा. यरीखो मनो जरे कोट तोड़ी पड़वा मावियो नीचे पड़ी गयो परंतु तीनु घर जिस स्थान मा तू ते स्थान तेहुच बनी रहियो. Where was her house? उसका घर कहाँ दिखता था. तीनु घर क्या हतो. On the wall of Jericho. यरीहो के शहर पनाह पर ही था. यरीखो नी कोट पर हतो. When everything came crumbling down. सारी शहर पनाह टूट कर नीचे गिरते समय. अने आखो कोट जरे पड़ी ने नीचे भांगी गयो. There is a tendency. Let me stick my face outside and see what is going to happen. ऐसा बन सकता है कि अरे क्या हो गया मेरा गर्दन जरा बाहर डालकर मैं देखूं क्या चल रहा है. अनेते यू विचारी सकता हो शके के वो बाहर मरी गर्दन कड़ी ने जो कि शूट ही रही उसे. 1,000 will fall on one side, 10,000 on the other side. It will not come nigh unto you. हजार आपके एक बाजू गिरेगा, 10,000 आपके दाहिने ओर गिर सकता है, लेकिन वो तेरे तुम्हारे नजदीक नहीं आएगा.
हजार तारी पड़खे दस हजार तारी बीजी बाजू पड़ से पड़खे पड़ से परंतु ते ऊपर तारी पास से आवी शक से नहीं Joshua said he'll come back योशुआ ने कहा कि वापस लौट आओ योशुआ ये कहो कि पाछा आओ he said he'll preserve my family वो मेरे परिवार को संभाले रखेगा अने ते मारा कुटुंब ने संभालशे now there is singing there is hope in that family अभी उस घर में एक आशा है वहां पर गीत गाए जा रहे हैं अने त्या घर में एक आशा हती ते वो गीत गाई रहा था you know the meaning of Joshua and the name of Jesus is one and the same savior और यहोशू का नाम का मतलब और यीशु का नाम का मतलब एक ही है दोनों का नाम का मतलब है उद्धार करता यहोशुआ ना नाम नो अर्थ तथा यीशु ना नाम नो अर्थ बनने नो अर्थ तारवू इसे for trifle reason so many are leaving the church and going away छोटी छोटी कारणों से अनेक लोग कलीसिया छोड़कर चले जाते हैं ना 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 कारणों सर घना बदल को मंडली ने छोड़ी ने चलिया जाए छे लेट देयर बी एन अर्थक्वेक आउटसाइड रिमेन इन योर हाउस आपके बाहर बाहर चाहे बुई डोल होने दे आप अपने घर में बने रहे बाहर भले धरती कम थाए तमे तुम्हारा घर में स्थाई रहो रिमेन इन दैट प्लेस वेयर द लॉर्ड हैज प्लांटेड यू परमेश्वर ने आपको लगाए हुए उसी स्थान में आप दिखाई दे ईश्वर ने तुमने जिस स्थान में रोपिया छे त्या तुम बनी रहो नाउ व्हाट इज रहब्स थीम अभी रहाब का बात क्या है रहाब विषय के वाती ओ जोशुआ व्हेन विल थाउ कम हे यहोशू कब तू आएगा हे यहोशू तू कह रही है उससे देयर इज द हाउस व्हिच वाज अ ब्रोथल नाउ इट इज फिल्ड विद होप अभी उसका उसका घर व्यभिचार का घर था लेकिन अब वो आशा भरी घर बन चुकी है तेनु घर के वाती ते व्यभिचार नु घर हतु अत्यारे ती आशा थी भरपूर छे देयर इज होप देयर इन दैट हाउस उस घर में अब आशा जगी है हवे ते घर में एक आशा उद्भवी द ट्रम्पेट शैल साउंड एंड वी शैल बी ट्रांसफॉर्म तुरी फूकी जाएगी और हम सब बदल जाएंगे रण सिंगड़ू वगाड़वा मावशे अपने सर्व बदलाई जैसु फ्रॉम फार शी इज एबल टू हियर the voice of the trumpet sounded by the priest dur dur se hi yajako ne fuki hui turhi ki awaaz wo sun pati hai yajako ye fuki la ran singda ne ti dur thi samdi rahi hati the time of my redemption is come hamare muchuda chutkare ka din na pahuncha hai apni mukti no divas aayi pahuncho che oh rehab you will not be touched hey rahab tumhe chhuye koi nahi chhuye chhuyega hey rahab tane koi smarsh nahi provided that scarlet thread is there उस लाल रंग की रस्सी वहां लटका होना चाहिए किरमजी रंग ने धोड़ी ते लगावेली होवी जोई यू ऑल शुड रिमेन इनसाइड यू आर नॉट सपोज्ड टू गो आउटसाइड आप सभी लोग अंदर ही रहने चाहिए आप बाहर नहीं जाना है तमे सर्व अंदर रूम में रेवा जोई कोई बाहर ना निकले Shall we all stand up? I am खड़े हो जाएं। आओ सर्व उभा थी। Let our hearts be filled with hope। हमारी हमारे दिल सारे आशा से भर जाने दे। अपने हृदय आशा से भरपूर थमा दे। God of hope is in our midst। आशा की प्रभु हमारे बीच में आज उपस्थिति दे रहा है। आशा नो प्रभु अपनी मध्य में छे। A good Joshua has promised he will come। एक भला जोशुआ यहोशू ने आएगा करके वायदा दे कर गया है। अरे एक यहोशुआ आउसे ते वचन देने आपू छे। I will come back again. I will preserve you. मैं वापस आऊंगा तुम्हें संभाले रखूंगा वो पाछो आवीश तने संभाली रखीश चल वी ऑल क्लोज आवर आईज आई हमारे आंखों को बंद करें अपनी आंखों ने अपने बंद करी Close your eyes. सभी लोग आंखें बंद कर अपनी आंखों ने बंद करी Let an anointing come upon us हमारे ऊपर एक अभिषेक आकर उतरने पाए अपने ऊपर एक अभिषेक उतरवा दे We are not in Baroda faith home अभी हम एक बड़ोड़ा के फितों में नहीं है अपने वडोदरा विश्वास भवन में नहीं God has brought us all spiritually to that upper chamber परमेश्वर ने आत्मिक तौर से हमारे को ऊपरी कोठरी में ले आया है प्रभु अपने आत्मिक रीते ऊपरी मोली में ले आवियो छे Very soon the trumpet will sound बहुत ही शीघ्र वो तुरी फूकी जाएगी खूब जल्दी ते रण सिंगड़ फुकार बमाउस The angels have already taken the trumpet in their hands स्वर्गदूतों ने अपने हाथों में तुरहिया को ले लिए स्वर्गदूतों ये रण सिंगड़ा ने पोताने हाथों में ले ली दू छे Waiting for the signal from God the Father. पिता परमेश्वर से इशारे के लिए राह देख रहे हैं. देव बाप की तरफ से देव इशारा नहीं मांगनी करे छे. It is finished. ये खत्म हो चुका है. ये समाप्त थी. It is finished. खत्म हो चुकी है. समाप्त थी. I prepared my bride. मैं अपने दुल्हन को तैयार कर रहा हूँ. मैं हमारी सारू कन्या ने तैयार करी रहा हूँ. I'm just waiting for her. मैं उसके लिए राह देख रहा हूँ उसके लिए बाट जोता हूँ वो तेरी राह जो ही रहो छु नए यरूशलेम वास कर जाओ कितनी खुशियाँ आनंद कितना नए यरूशलेम वास कर जाओ कितनी खुशियाँ आनंद कितना चलिए और क्लैप हैंड्स
हैंड्स एंड सिंग, सभी लोग ताली बजा कर गाएं। An anointing will come upon you. एक अभिषेक आप पर उतरेगा। कितनी खुशी आनंद कितना तुमको सबको से चुराने Let a fresh anointing come upon us. एक ताजा अभिषेक हमारे ऊपर आबसने दे। एक ताजा अभिषेक अपने ऊपर उतरिए बधाई। God has called you. परमेश्वर ने आपको बुलाया है। प्रभु ने तुमने बुलाया। God has called you for perfection. सिद्धता के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है। संपूर्णता में प्रभु ने तुमने बुलाया। He will fulfill that purpose in your life. उस मकसद आपके जीवन में वो पूरा भी करेगा। अरे ये तो तुम्हारा जीवन में पूरा कर से। All those who believe in the finished work on the finished work on Calvary, lift up your right hand. कलवरी के समाप्त किए हुए काम पर जितने लोग विश्वास करते हैं अपने दाहिने हाथ को उठाकर खड़ा रखे। जे कलो को कलवरी पर समाप्त थेला काम पर विश्वास करे छे पोताना जमणा हाथ ने ऊपर करे। Along with all those who believe that God is able to perfect me, lift up your hands and shout hallelujah. परमेश्वर मुझे सिद्ध कर सकता है वो भी विश्वास करने वाले लोग अपने हाथ को खड़ा रखते हुए हालेलुया पुकारे। प्रभु मने संपूर्ण करी सके छे यो विश्वास करनारा हाथ ने ऊपर करीने हालेलुया कहे। An anointing will come upon you. Just 2 minutes. 2 minutes और रुकिए। आप पर एक अभिषेक उतर रहा है। 2 minutes. प्रभु अभिषेक तुम्हारी पर उतर रहा भी रहे छे। शुद्ध कर दे मुझे सिद्ध कर दे तू सिद्ध पाक दे आत्मा से कर दे तू बिदा आत्मा से कर दे तू बिदा आत्मा में कभी कृपया सिद्ध कर दे मुझे सिद्ध कर दे प्रभु वचन से कृपा कर दे आत्मा से कर दे दुविधा आत्मा से कर दे कृपया आत्मा से कर दे दुविधा आत्मा से कर दे कृपया Hallelujah.
हमारे तीसरे दिन के सम्मेलन की सभा को प्रभु ने भोज उठाकर आशीष किया, इसीलिए मिलकर हम धन्यवाद करेंगे। सम्मेलन ना त्रिज्या दिवस की सभा ने प्रभु आशीर्वादित करी, भार उठावियो, मटे मड़ी ने धन्यवाद करिए। God undertook for our songs and testimonies for which let's praise God. हमारे गीतों की सेवा को, हमारे गवाहियों का बोझ प्रभु ने उठाया, इसलिए हम धन्यवाद करेंगे। गीतों की सेवा ने, साक्षी ने प्रभु ये भार उठावे मटे धन्यवाद करिए। God has come into our upper room for which let's praise God. परमेश्वर हमारे ऊपरी कोठरी में उतर आया, इसीलिए मिलकर हम धन्यवाद करेंगे। प्रभु अपना ऊपर ना ओरडा मा मेडी मा उतरी आवे मटे धन्यवाद करिए। कल के अंतिम आराधना की सेवा को प्रभु भोज उठाकर चलाने के लिए हम धन्यवाद करेंगे। छिली आराधना ने प्रभु भार उठावी चलाए माटे धन्यवाद करिए। Giving all honor and glory to God, let's praise God. सारे आदर और महिमा परमेश्वर को देते हुए हम धन्यवाद करेंगे। सर्व आदर तथा गौरव प्रभु ने आपका धन्यवाद करिए। Praise the Lord, praise the Lord. प्यारे यीशु, तारीख करते हैं। तूने इस साल में भी हमें आशीष से भरा हुआ एक कन्वेंशन दिया, उसके लिए हम तारीख करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, आज तेरे समूह में हम लोग सब आने के लिए, तेरे समूह को अनुभव करने के लिए, तेरे समूह के आशीषों को पाने के लिए तूने मदद किया, गीत की सेवा सब आशीष किया, जीवित गवाही हमारे बीच में खड़ा किया, उसके लिए हम तारी करते। स्वर्गीय सिय्योन से तो अपने दास के द्वारा हमसे बात किया प्रभु, उसके लिए हम तारी करते। अपने दास को दिया हुआ अनुग्रह के लिए, दोगुना अभिषेक के लिए हम तारी करते। ऊपरी कोटि में होने वाला कई आशीषों के बारे में हम सुनने के लिए मदद किया। ऊपरी कोटि में पैसगा मनाया, पैसगा हमारा प्रभु यीशु को दिखाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, उस अनुभव भी हम लोग पाने के लिए जीवन में मदद किया। ऊपरी कोटि में पौत्र आत्मा का अभिषेक उतरा प्रभु, उस अभिषेक हमारे जीवन में भी हम लोग पाने के लिए तूने मदद किया। वो हम बहुत दिया जल रहे थे, हमारे जीवन में भी उस दिया जलते रहने के लिए मदद कर। वह पुनरुत्थान की शक्ति को हम लोग देख रहे, उस पुनरुत्थान की शक्ति हम पाके। प्रभु यीशु, तू आने वक्त उसे मुलाकात करने के लिए हम सबको मदद कर। सुना हुआ सारे वचन के लिए हम तारी करते, केवल हम सुनने वाला नहीं उसका अनुसार जीवन बिताने के लिए प्रभु यीशु, तू आने वक्त उससे मुलाकात करने के लिए हम सबको मदद कर। लॉर्ड, हमारा मीटिंग शुरू से वो तारीफ करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु जी, मीटिंग आया वो सबों को तेरी आत्मा में सौंप देते, जैसे आए वैसे नहीं जाना, छुटकारा पा के खुशी के साथ, शांति के साथ यीशु को लेके अपना प्रभु अपने अपना घर में जाने के लिए तू मदद कर। सच्चाई के लिए देश से एक झुंडों को तू तैयार कर, तेरी जल्दी आमद के लिए एक झुंड को तैयार कर। प्रेज़ द लॉर्ड, आज होने वाला टेरी मीटिंग सब तू आशीष कर, कल के आ रहे सब आशीष कर, जल्दी आने वाला तू से मुलाकात करने के लिए हम सबको मदद कर। आत्मा प्राण शरीर तेरी हाथों में सौंप देते, यीशु मसीह के नाम से मांग।